गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास। और यहां इसी क्रम में आज यहां पर आज का चैप्टर नंबर 12 है। तो आज आप यहां पर इसके नोट्स बनाएंगे और इसके बारे में इसकी समरी को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या नोट डाउन करना है हमें यहाँ पर। देखिए, कल के जो वीडियो में एक डाउटफुल कंटेंट आया था, यानी कल का जो वीडियो में एक कुतुब मीनार को लेकर थोड़ा डाउट था। कुतुब मीनार को लेकर देखिए, कुतुब मीनार के बारे में कल जो मैंने बताया था, यानी कल मैंने नहीं बताया था, वो एक्चुअल में सतीश चंद्रा जी की जो किताब है उसमें लिखा हुआ था कि ये बख्तियार काकी, यानी कि जो प्रसिद्ध संत थे, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक संत थे, जो उनके लिए समर्पित है, समर्पित नहीं है। यानी इसमें यह कहा गया था कि ये बख्तियार काकी जो संत रहे थे इनके लिए समर्पित नहीं थी, ठीक है, बल्कि इनके लिए समर्पित इमारत जो थी वो थी कुब्बत असलाम मस्जिद, यानी कुब्बत इस्लाम जो मस्जिद थी वो इसके लिए समर्पित थी। देखिए, मैंने तमाम रिसोर्स चेक किए, तमाम रिसोर्सेज में मैंने आपकी जो फाइन आर्ट्स वगैरह की जो किताबें हैं वहाँ पर भी चेक किया, यानी एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स में तो कुतुब मीनार ही बताया, यानी बख्तियार काकी जो संत हैं इनके लिए कुतुब मीनार ही डेडिकेटेड रही है। और आपकी जो मैंने जो सिंघानिया की जो नितिन सिंघानिया की किताब वो भी चेक की, इसके अलावा दृष्टि पब्लिकेशन की किताबें भी मैंने चेक की, तो वहाँ पर भी कुतुब मीनार ही बताई गई है। फिर मैंने कुछ कोचिंग्स वालों से भी मतलब कांटेक्ट किया, यानी कोचिंग में जैसे जयपुर से किया, दिल्ली किया, तो वहाँ पर निष्कर्ष ये निकल के आया कि वास्तव में अगर देखा जाए तो दोनों ही इमारतें हैं, चाहे वो कुतुब मीनार हो या कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद हो, दोनों ही बख्तियार काकी को समर्पित हैं। क्यों ऐसा माना जाता है कि जो बख्तियार काकी हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु रहे थे, ठीक है, तो दोनों ही इमारतें कहीं ना कहीं समर्पित हैं। तो अगर गहन रूप में देखें तो गहन रूप में मोस्टली लोग ये मानते हैं, जैसे सतीश चंद्रा जी ने लिखा है अपना निष्कर्ष, तो सतीश चंद्रा जी का कहने का उनका भी तात्पर्य गलत नहीं है, सही है कि जो कुब्बत इस्लाम है वो ऑलरेडी उन्हीं के लिए डेडिकेटेड थी, यानी बख्तियार काकी के लिए डेडिकेटेड थी, बाद में डेडिकेट करने का जो है फैसला या बाद में इस चीज़ को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, यानी कि दोनों ही चीज़ें सही हैं, गलत नहीं है कोई भी। मोस्टली जो आपके एग्जाम वगैरह, फिर मैंने एग्जाम वगैरह क्वेश्चन से वो भी चेक किए, तो वहाँ पर उन लोगों ने कुतुब मीनार को माना है, तो आप लोग ये गलत नहीं है, आप ये नहीं कह सकते सतीश चंद्रा वाली बुक में गलत है, गलत इसमें भी नहीं है, गलत इसमें भी उन्होंने अपना निष्कर्ष सही लिखा है, क्योंकि दोनों ही इमारतें लगभग ये मानी जाती हैं कि बख्तियार काकी जो कुतुबुद्दीन जो है कुतुब जो है बख्तियार काकी इन्हीं को समर्पित हैं, तो इस वजह से ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप, देखिए मुझे एक अभ्यर्थी ने बताया तो बड़ा अच्छा लगा मुझे जान के, इसलिए अच्छा लगा क्योंकि तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं उनका तुरंत के तुरंत निस्तारण हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब ये बाद में अगर आप 6 महीने बाद बताते मुझे तो मैं शायद मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाता, क्योंकि वहाँ पर फिर मैं कौन सी वीडियो में करता एक्सप्लेन, सारी वीडियो कंप्लीट हो जाती। तो आप ऐसे ही जाएँ, यानी कि जो जो आपको डाउटफुल बातें लगती हैं तत्काल आप कमेंट करके बताया कीजिए ताकि मैं उसका निस्तारण कर सकूं। तो दोनों ही जगह सही है, यानी कि अपनी अपनी जगह सतीश चंद्रा जी भी सही हैं और वो किताबें भी सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। मोस्टली दोनों ही जो हैं आपकी, मैंने तमाम जो और भी मतलब हैं बात की तो उन्होंने यही कहा कि जो वास्तव में देखा जाए दोनों ही इमारतें अपने गुरु के लिए समर्पित की गई थी, चाहे वो कुतुब मीनार हो चाहे ये हो, ठीक है। आज यहां पर आपका चैप्टर नंबर 12 है मुगलों का आगमन, बाबर और हुमायूं, ठीक है। मुगलों का आगमन होता है और बाबर और हुमायूं, इनके बारे में यहां पे हम जानेंगे। देखिए, अब के बाद लगभग चैप्टर 12 के बाद 21 तक लगभग सारे चैप्टर आपके मुगलों के साम्राज्य से संबंधित ही हैं, लगभग घुमा फिरा के यहां पे मुगलों का उनमें पूरा पूरा हस्तक्षेप है, ठीक है, उन्हीं के बारे में आप पढ़ेंगे केवल। देखिए, पहले तो आपकी हेडिंग ये है कि मध्य एशिया और भारत, यानी कि कैसी दशाएं बनी जब बाबर को जो है भारत आना पड़ा, तो वो कैसी पृष्ठभूमि तैयार हुई जब बाबर को भारत की ओर मुख करना पड़ा, तो वो भी हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। देखिए, 16वीं सदी में जो एशिया हो या भारत हो, यहाँ पर भी परिवर्तनों का दौर चल रहा था, तो उस्मानी साम्राज्य जो है, यानी उस्मानी साम्राज्य जो था, ये 15वीं सदी में इसका जो उदय हुआ था, ठीक है, यानी 15वीं सदी में इसका पुनरुत्थान हुआ था और ये सीरिया और अनातोलिया में स्थित था, यानी उस्मानी साम्राज्य 15वीं सदी में इसका पुनरुत्थान हुआ और इसका जो क्षेत्र था वो सीरिया और अनातोलिया में था, ठीक है। पहला पॉइंट नोट कर लेना आप, पहला पॉइंट यही है, उस्मानी साम्राज्य का 15वीं सदी में सीरिया और अनातोलिया में पुनरुत्थान हुआ, ठीक है। अब देखिए, इन्होंने जो है, यानी कि जो आपके उस्मानी हैं, इन्होंने मिस्र और मेसोपोटामिया पर अपना अधिकार जमा लिया और इराक और ईरान को अपने प्रभुत्व में लाने का इन्होंने प्रयास किया था, यानी कि इन्होंने जो है आपका मिस्र और मेसोपोटामिया वाले क्षेत्र है इस पर अपना अधिकार जमा लिया था और इराक और ईरान को अपने प्रभुत्व में लाने का इन्होंने प्रयास किया था, ठीक है। अब इसके बाद एक और है, यानी कि इसके बाद यहाँ पर आपका एक सफवी है, एक यहाँ पर एक सफवी साम्राज्य का उदय हुआ है ईरान में, तो ईरान में सिया, यानी कि सिया पंथ के जो थे मतावलंबी सफवी साम्राज्य, ये 15वीं सदी का आखिरी चौथाई, 15वीं सदी की आखिरी चौथाई का मतलब क्या है कि ये मान के चलिए 1475 के बाद, ठीक है, 1475 के बाद से लेकर 1499 तक के बीच में,
ठीक है, यानी 15वीं सदी की आखिरी चौथाई का मतलब यही हुआ। ठीक है, 1475 से लेकर 1499 के बीच में कोई भी डेट हो सकती है। तो ईरान में सिया मतलब सफवी, ये सफवी साम्राज्य है, इसका भी उदय होता है ईरान में, और ये 15वीं सदी की आखिरी चौथाई की सत्ता में आया। ठीक है, ये भी नोट कर लेना सेकंड पॉइंट कि ईरान में सिया मतावलंबी सफवी साम्राज्य 15वीं सदी की आखिरी चौथाई में सत्ता में आया। ठीक है, ठीक है, इसका जो है सफवी साम्राज्य का, इसका इराक और बगदाद पर अधिकार के लिए, ये जो है ये इनका अधिकार के लिए ये उस्मानियों से भी टकराए हैं, उस्मानियों बादशाहों से भी इनका टकराव हुआ है। ठीक है, तो नोट कर लेना सेकंड का सब पॉइंट, इराक और बगदाद के लिए वो है उस्मानी बादशाहों से भी टकराया। ठीक है, इराक और बगदाद पर अधिकार के लिए वह उस्मानी बादशाहों से भी टकराया, ये आपका सेकंड का सब पॉइंट है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा तैमूर, तैमूर के बारे में आपने जानते भी होंगे कि तैमूर का जो आक्रमण हुआ था 1398 में भारत पर आक्रमण हुआ था। यानी अभी तक आपने दो साम्राज्यों, मध्य एशिया के दो साम्राज्यों के बारे में जान लिया, सफवी साम्राज्य के बारे में और उस्मानी साम्राज्य के बारे में जान लिया। अब एक और बादशाह तैमूरों का, ठीक है, तो तैमूर को पता ही होगा, तैमूर 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत पर, और उस आक्रमण में तैमूर ने भारी लूटपाट मचाई थी। ठीक है, तो ये चीज भी आप जान चुके हैं। अब यहां पर क्या होता है कि तैमूर की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी तैमूर की जो मृत्यु है 1405 में, तैमूर भी मर जाता है, तो उसकी जगह पर उसका पोता शाहरुख मिर्जा, ये इसकी मृत्यु होती है 1448 में, तो उसके साम्राज्य पर ये बैठता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट नोट कर लेना आप यहां पर, तैमूर 1405 में मरा, पर उसका पोता शाहरुख मिर्जा, शाहरुख मिर्जा मृत्यु 1448, उसके साम्राज्य के एक भाग को बचाए रखने में सफल रहा। ठीक है, यानी इसके साम्राज्य के एक भाग को बचाए रखने में सफल रहा। यानी कहने का मतलब क्या था कि जो तैमूरी प्रथा थी, तैमूरी प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि राज्य बट जाता था विभिन्न भाइयों के बीच, तो उनमें भी फूट पड़ी, दरार पड़ी, तो उसमें कहीं ना कहीं सब जो राज्य थे तैमूरों के कमजोर पड़ गए आपसी फूट की वजह से। तो एक हिस्सा जो था वो उसका पोता जो था शाहरुख मिर्जा, वो इसे बचाए रखता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोट कर लेना आप। अब देखिए थर्ड का सब पॉइंट नोट करेंगे, उसने कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। किसने? यानी शाहरुख मिर्जा ने, जो तैमूर का पोता था, और उसके काल में समरकंद और हेरात पश्चिम एशिया के सांस्कृतिक केंद्र बन गए। यानी कि जो इसके आसपास की जो दुनिया थी, समरकंद और हेरात था, वो इस जो था उसने उन्हें प्रोत्साहन दिया और कला को प्रोत्साहन दिया, और उन्हें पश्चिम एशिया के सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में उभार के ये सामने लेके आया है। ठीक है, तो थर्ड का सब पॉइंट नोट कर लेना, उसने कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया और उसके काल में समरकंद और हेरात जो है पश्चिम एशिया के सांस्कृतिक केंद्र बन गए। ठीक है, ये थर्ड का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं यहां पर हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो 15वीं सदी है, 15वीं सदी में के उत्तरार्ध में क्या हुआ था कि तैमूरी, जो 15वीं सदी के उत्तरार्ध में तैमूरी साम्राज्य जो है ये छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाता है। जो तैमूरी साम्राज्य है ये छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है, यानी जैसे ही तैमूर की मृत्यु होती है उसके बाद छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है। तो इसके कारण वहां पर दो नए तत्वों को हम देखते हैं, यानी कि साम्राज्य जैसे छोटे छोटे हिस्सों में बटता है, इसके कारण वहां पर दो नए तत्वों को हम देखते हैं। दो तत्वों से मतलब क्या है कि दो नए तत्व वहां पर पैदा हो जाते हैं तैमूरी साम्राज्य के बटने की वजह से, वहां पर दो और नई शक्तियों का उदय होता है। ठीक है, यानी अभी तक आपने उस्मानी और सफवी साम्राज्य पढ़ लिया था मिडिल ईस्ट का, मध्य एशिया का। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, तैमूरी साम्राज्य का पतन हो जाता है, तैमूरी साम्राज्य का एक हिस्सा जो है वो शाहरुख मिर्जा जो है यानी तैमूर का पोता वो बचा लेता है, लेकिन जो तैमूरी साम्राज्य की फूट होती है, तो तैमूरी साम्राज्य की फूट के अंतर्गत दो और राज्य खड़े होते हैं, दो और लोग खड़े होते हैं यहां पर। ठीक है, कौन कौन खड़े होते हैं वो भी हम जानेंगे। तो यहां पर थर्ड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना आप, सेकंड सब पॉइंट थर्ड का नोट करेंगे आप कि 15वीं सदी के उत्तरार्ध में तैमूरी साम्राज्य, 15वीं सदी के उत्तरार्ध में तैमूरी साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में, तैमूरी साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, इसके कारण दो नए तत्वों को, इसके कारण दो नए तत्वों को सामने आने का अवसर मिला है। तैमूरी साम्राज्य के पतन के बाद दो नए तत्व और निकल के आते हैं। ठीक है, ये आपने थर्ड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब कौन कौन से दो तत्व निकल के आए हैं, अब जो आपका सेकंड सब पॉइंट है, सेकंड सब पॉइंट की सब पॉइंट है, सेकंड सब पॉइंट का पहला सब पॉइंट है, आप इस तरह से नोट करेंगे। देखिए मैं डबल एरो लगा देता हूं, सब पॉइंट के अंदर कोई सब पॉइंट बनाता हूं तो इस तरह का एरो लगा देता हूं, ये याद रखना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे यहां पे पहला, यानी सेकंड सब पॉइंट का पहला सब पॉइंट, उत्तर से उज्बेक लोगों का एक तुर्क मंगोल कबीला,
ठीक है, ऑक्सस पार के क्षेत्र में घुसाया, यानी उत्तर से जो उज्बेक लोग थे, तो इनका जो कबीला था, यानी इल्का एक तुर्क मंगोल कबीला था, ये ऑक्सस पार के क्षेत्र में घुसाया था। देखिए उज्बेक जो ये उज्बेक वगैरह लोग थे, ये शुरुआत में मुसलमान नहीं थे, ठीक है, शुरुआत में मुसलमान नहीं थे, ये बाद में मुस्लिम बने हैं। तो तैमूरी परंपरा के जो लोग थे उज्बेकों को बहुत ही असंस्कृत और बर्बर मानते थे और उन्हें अपने से नीच समझते थे, यानी अपने से उन्हें नीचा समझते थे, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम में एक और यहाँ पे घुसा है, यानी कि इनका पतन होने के बाद एक और व्यक्ति घुसे तैमूरी के बाद, ये घुसे पश्चिम में सफबी नाम का एक नया राजवंश, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो सफबी नाम का नया राजवंश ये ईरान पर वर्चस्व जमाने लगा, ठीक है, नोट कर लेना आप। सेकंड सब पॉइंट का, आपका थर्ड का सेकंड सब पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट है कि पश्चिम में सफबी नाम का नया राजवंश ईरान पर वर्चस्व जमाने लगा, ठीक है। देखिए जो सफवी थे, सफवी अपने आप को ये कहते थे कि भाई हम सूफियों के सिलसिले से बिलोंग करते हैं और जो कि पैगंबर को अपना पूर्वज ठहराते थे, और ये सफवी थे वो शिया मत के थे, शिया थे ये, ठीक है, इनके आगे लिख लेना ब्रैकेट में शिया थे। और जो उज्बेक जो आए थे, यानी उज्बेक मुसलमान जो आए थे वो सुन्नी, यानी कि उनके आगे लिख लेना ब्रैकेट में सुन्नी थे, वो सुन्नी थे, ठीक है, यानी कि सफवी जो थे वो शिया थे और जो उज्बेक मंगोल आए थे वो सुन्नी थे, ठीक है, ये उनके आगे आगे लिख लेना ब्रैकेट में दोनों सब पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से 16वीं सदी में यहाँ पर जो है एशिया में तीन शक्तिशाली साम्राज्य जो है, इनमें उस्मानी है, सफवी है और उज्बेक, तो इनके टकराव की जमीन तैयार हो चुकी थी, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं टकराव की जमीन तैयार होती है, और वहां पर समरकंद में जो शाहरुख मिर्जा है, शाहरुख मिर्जा के राज्य को बहुत क्षति भी पहुंचती है तीनों के टकराव की वजह से, और वहां पर उसी टाइम पर जो है बाबर भी आसीन होता है, तो बाबर को फिर वहां से निकल के भागना पड़ता है, ठीक है। तो अब वो हम जानेंगे आगे वाले उसमें पॉइंट में कि कैसे बाबर वहां से निकल के फिर भागता है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट नोट कर लेना कि इस तरह 16वीं सदी में एशिया में तीन शक्तिशाली साम्राज्यों उस्मानी, सफवी और उज्बेक के टकराव की जमीन तैयार हो चुकी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है आपकी बाबर, ठीक है। देखिए बाबर के बारे में हम अब यहां पे वो नहीं पढ़ेंगे भाई इसकी माँ कहाँ की थी, इस पिता कहाँ के थे, क्योंकि ये सब आप ऑलरेडी लिख चुके हैं और इस पुस्तक में भी वो चीज स्केप कर दी गई है, यहाँ पे उस पुस्तक में भी वो चीज को गौर नहीं किया गया, क्योंकि आप ये ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, क्लास 7 पे हमने ऑलरेडी पढ़ी है, मैंने लिखवाई भी है, तो आप वो वीडियो दोबारा देख लीजिए, वहां पर सब पूरा दे रखा है कि माता कहाँ से थी, पिता कहाँ से थे, कैसे ये, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर देखिए बाबर जो था, बाबर हेडिंग डाल ली आपने, ये 1494 में 12 वर्ष की उम्र, छोटी उम्र में ही बाबर जो है एक बाबर ऑक्सस पार का एक छोटा सा राज्य था फरगाना, इसका राजा बना था, ठीक है। पहला पॉइंट यही है कि 1494 में बाबर 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है, ऑक्सस पार के छोटे से राज्य का राज्य फरगाना का राजा बना, ठीक है। अब देखिए जो समरकंद था, मैंने बताया शाहरुख मिर्जा, तो शाहरुख मिर्जा का जो हिस्सा था, जो शाहरुख मिर्जा था उसका चाचा लगता था उस समय, ठीक है। तो बाबर ने समरकंद को जीतने का दो बार प्रयास किया, यानी बाबर ने इस नगर को जीतने का दो बार प्रयास किया, लेकिन दोनों बार जीत तो लिया लेकिन उसे तत्काल खो भी दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, बाबर ने दो बार अपने चाचा से, दो बार अपने चाचा से समरकंद को जीता, बाबर ने दो बार अपने चाचा से समरकंद को जीता और पर दोनों अवसरों पर शीघ्र ही उसे खो बैठा, यानी दो बार जीता, जीत तो लिया लेकिन जल्दी उसे खो भी बैठा, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट है। देखिए इसमें सबसे पहले तो इसने एक बाबा जो है, एक सैवानी खान है, यहाँ पर सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे, एक सैवानी खान नाम का व्यक्ति है, सैवानी खान ने बाबर को हराकर समरकंद को जीत लिया, यानी कि जब दो बार में से एक बार तो एक सैवानी खान नाम का तैमूरी था ये, ठीक है। तो इसने बाबर को वहां से हटाकर समरकंद को फिर से हत्या लिया था, और उसने बाकी जो तैमूरी राज्य थे तो उनका भी उसने रौन दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड का पहला सब पॉइंट नोट कर लेना कि सैमूरी खान ने बाबर को हराकर समरकंद जीता और बाकी तैमूरी राज्यों को भी रौन डाला, और बाकी तैमूरी क्षेत्रों को भी रौन डाला, ठीक है। इसी में आगे लिखेंगे, इससे बाध्य होकर बाबर काबुल की ओर चला, जिसे उसने 1504 में जीता,
यानी कि इस चीज से बाध्य हो गए। उसे क्या यानी सेवानी खान जो है ये घुस पड़ता है। सेवानी खान की वजह से क्या होता है कि बाबर को फिर भाई अपना जो काबुल है यानी सॉरी काबुल बोल रहा हूँ जो समरकंद विजय है इसके बाद फरगाना तक का राजा था, तो इसे सभी सब छोड़ के आना पड़ता है। यानी कि सेवानी खान ने पहले समरकंद को बाबर के चंगुल से आजाद करवाया, उसके बाद जो तैमूरी राज और छोटे छोटे बसे हुए थे उनको भी नष्ट किया है। इस वजह से क्या होता है इससे बाध्य होकर जो बाबर है बाबर को काबुल की ओर जाना पड़ता है, जिसे काबुल को बाबर ने 1504 में जीता था, तो ये वहां से चला आता है। ठीक है, ये सेकंड का सब पॉइंट है, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसने तमाम बार कोशिश की अपने राज्य को वापस लेने की, इसमें चाचा से मदद लेने की, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिला। ठीक है, यानी सेवानी खान जो था बढ़ाई बर्बर टाइप का व्यक्ति था, तो इसने कोई लाभ नहीं मिला इन्हें। तो ये मतलब अब इनके अंदर एक बाबर के अंदर एक भावना ये रही कि भाई हमें अपना फरगाना राज्य भी प्राप्त करना है और अपना जो हमारा मूल है वहां तक हमें पहुंचना है, लेकिन ये फिर पहुंच नहीं पाए, ये फिर काबुल तक ही आगे लटक गए हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट अब आप यहां पे नोट करेंगे यहां पर। ठीक है, यहां पे आप थर्ड पॉइंट नोट करेंगे। थर्ड पॉइंट है उसने पंजाब के कुछ हिस्सों पर देखिए स्लाइड है कुछ एक्स्ट्रा थी बीच में, तो अब यहां पर आपका अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है। देखिए अब यहां पर काबुल में आ जाता है। अब काबुल में आने के बाद 1504 में काबुल को जीता था, तो काबुल में आके भाई वहां पे पहुंच गए हैं बाध्य होकर बाबर। अब इसके आगे का कालक्रम हम यहां पे जानते हैं। ठीक है, अब इसके आगे की घटना क्या होती है कि यहां पर इसने पंजाब के कुछ हिस्सों पर भी यहां पे जो है कब्जा कर लिया है, यानी कि भारत में आने के बाद इसने जो है पंजाब के कुछ हिस्से हैं उन पर भी इसने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट है, उसने पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया जो तैमूर के उत्तराधिकारियों के अधीन कई पीढ़ियों तक रहे थे। यानी कि तैमूर के उत्तराधिकारी जो भारत में रहे उनके अधीन ये क्षेत्र रहे थे, तो उनसे उनके इन क्षेत्रों को उसने पुनः जीत लिया। ठीक है, बाबर ने थर्ड पॉइंट यही है, उसने पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया जो तैमूर उत्तराधिकारियों के अधीन कई पीढ़ी तक रहे थे। ठीक है, अब देखिए उधर क्या था कि बाबर का जो आगमन हुआ है, तो बाबर के आगमन की वजह से आगमन जिस टाइम पे हुआ था तो उस समय उत्तर पश्चिम की राजनीतिक स्थिति बहुत ज्यादा डामाडोल चल रही थी, क्योंकि उतना कोई स्ट्रांग साम्राज्य नहीं था। यानी कि आपका जो तुगलक वगैरह है इनका जो काल समाप्त हो चुका था, अब इनके बाद लोधियों का काल चल रहा था, तो लोधी वगैरह इतने जो है इन्होंने गेंद्री का सत्ता थी नहीं इनकी, लोधियों की भी, लोधियों ने कोशिश यानी कि सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी तख्त पर बैठा था, इसने भी कोशिश की राज्य को जो है केंद्रीकृत करने की, लेकिन बना नहीं पाया था ये। ठीक है, तो चौथा पॉइंट नोट करेंगे अब आप यहां पे, उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति भारत में बाबर के प्रवेश के लिए उपयुक्त थी। उत्तर पश्चिम की राजनीतिक स्थिति भारत में बाबर के प्रवेश के लिए उपयुक्त थी। ठीक है, चौथे का सब पॉइंट नोट करेंगे यहां पर। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद बाद इब्राहिम लोदी तख्त पर बैठा। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी तख्त पर बैठा। ठीक है, इसी में आगे लिखेंगे उसके शक्तिशाली केंद्रीकृत साम्राज्य बनाने के प्रयासों ने उसके शक्तिशाली केंद्रीकृत साम्राज्य बनाने के प्रयासों ने अफगान सरदारों और राजपूतों को चौकन्ना कर दिया। चौथे का सब पॉइंट यही है कि 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद जो इब्राहिम लोदी है ये तख्त पर बैठा है और उसके शक्तिशाली केंद्रीकृत साम्राज्य बनाने के प्रयासों ने राजपूतों और अफगानों को चौकन्ना कर दिया। ठीक है, उसी समय देखिए वहां पर दो राज्य थे अच्छे खासे, जो राज्य थे, एक तो सबसे शक्तिशाली राज्य जो आपका था वो था यहां पर दौलत खान नाम का एक अफगान सूबेदार था, तो ये पंजाब पर राज कर रहा था। ठीक है, तो यहां पे चौथे का सब पॉइंट सेकंड सब पॉइंट चौथे का नोट करेंगे। यहां पर सबसे शक्तिशाली अफगान सरदार पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी था। ठीक है, यानी कि जो अफगान और जो थे यानी कि लोदी भी अफगान ही थे, लेकिन इनके साथ के जो अफगान थे संतुष्ट नहीं थे इनसे, तो इनमें सबसे शक्तिशाली अफगान सरदार जो था वो पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी। ठीक है, ये था, तो दौलत खान लोदी ने आप इसमें लिखेंगे सबसे शक्तिशाली अफगान सरदार पंजाब के दौलत खान लोदी ने, मैं बताता जा रहा हूं,
दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी से सुलह करने का प्रयास किया, ठीक है, से सुलह करने का प्रयास किया और भीड़ा की स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयासरत था। भीड़ा इसका किला था, यानी भीड़ा जो था, भीड़ापन इसका किला था, इसका दौलत खान लोदी का किला था भीड़ा में, ठीक है। तो भीड़ा की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, चौथे का सेकंड सब पॉइंट, ये सबसे शक्तिशाली अफगान सरदार पंजाब के दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी से सुलह का प्रयास किया और भीड़ा की स्थिति को मजबूत करने में प्रयासरत रहा, यानी भीड़ा की स्थिति को मजबूत करने के लिए भी दौलत खान जो था यह प्रयासरत रहा था, ठीक है। अब क्या होता है आगे, 1518-19 में जो बाबर है, तो बाबर ने भीड़ा के मजबूत किले को जीत लिया है। जब बाबर का आगमन होता है तो बाबर ने भीड़ा के मजबूत किले को जीत लिया है, ठीक है। पांचवा पॉइंट ये नोट कर लेना कि 1518-19 में बाबर ने भीड़ा के मजबूत किले को जीता, ठीक है। फिर उसने दौलत खान और इब्राहिम लोदी को पत्र लिखकर, संदेश भेजकर उन क्षेत्रों को देने की मांग की जो तुर्कों के थे, यानी कि जो बाबर हैं, बाबर ने फिर ये कहा है कि भाई हमें वो क्षेत्र दे दिए जाएं जो तुर्कों का, जिन पर शासन पहले रहा है, वो सारे क्षेत्र हमारे अंडर में आप कर दो, ठीक है। यानी बाबर ने इनसे ये डिमांड की, इन दोनों शासकों से। अब इसीलिए इसी बीच में क्या होता है कि एक दूत भेजता है बाबर, तो दूत को क्या करता है, दौलत खान अपने यहां बंदी बना लेता है, लाहौर में बंदी बना लेता है, उसे इब्राहिम लोदी तक पहुंचने नहीं देता, यानी इब्राहिम लोदी और बाबर की वार्ता जो है होने ही नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं एक दरार पड़ जाती है, बाबर के मन में भी आता है भाई ये शासक बड़ा होती रूढ़ शासक है, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर सख्त कदम उठाना चाहिए, ठीक है। तो पहली तो ये बनती है कंडीशन, पांचवा पॉइंट नोट कर लेना, 1518-19 में बाबर ने भीड़ा के मजबूत किले को जीता, फिर उसने दौलत खान और इब्राहिम लोदी को संदेश भेजकर उन क्षेत्रों को देने की मांग की जो तुर्कों के थे, ठीक है। पांचवें का सब पॉइंट नोट कर लेना यहां पर। अब इसके इसी बीच में क्या होता है कि इसी बीच में दौलत खान ने बाबर के दूत को लाहौर में नजरबंद कर लिया और भीड़ा पर कब्जा कर लिया, ठीक है, नजरबंद कर भीड़ा पर कब्जा कर लिया। ये आपका पांचवें का सब पॉइंट है, दौलत खान ने बाबर के दूत को नजरबंद कर भीड़ा पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, छठा पॉइंट यहां पर नोट करेंगे आप। देखिए अब अगली बार फिर 1520-21 में बाबर ने फिर एक बार जो है सिंध नदी को पार करके इन्होंने फिर आसानी से भीड़ा और सियालकोट पर कब्जा कर लिया, जो कि हिंदुस्तान के उस समय दो द्वार माने जाते थे। तो छठा पॉइंट नोट कर लेना कि 1520-21 में बाबर ने एक बार फिर सिंध नदी को पार कर आसानी से भीड़ा और सियालकोट पर कब्जा कर लिया, जो हिंदुस्तान के दो द्वार थे, ठीक है, ये छठा पॉइंट है। अब देखिए इसी समय क्या होता है, यानी इसी टाइम पे जो एक व्यक्ति है जिस समय दौलत खान है, तो दौलत खान ने इसी समय अपने बेटे दिलावर खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जो है बाबर के पास भेजा है, ठीक है। अब बाबर के पास प्रतिनिधिमंडल भेजने का रीजन क्या था, रीजन ये था, ये भाई इब्राहिम लोदी से खफा था, ये दौलत खान लोदी जो था अफगान था, ये इब्राहिम लोदी से खफा था, तो इसका मानना यह था कि कहीं ना कहीं अगर बाबर को भारत में ले आते हैं तो बाबर से उसकी आस्था नहीं थी, बाबर के प्रति उसका प्रेम नहीं था दौलत खान लोदी का, समझने वाली बात यहां पर यह है, बस उसके उसको एक रंजिश लेनी थी, रंजिश किससे थी, इब्राहिम लोदी से, तो उसको एक इब्राहिम लोदी से बदला लेना था, तो बदला के लिए बहाना ढूंढना था, वो इतना शक्तिशाली था नहीं कि इब्राहिम लोदी से टक्कर ले पाता, तो उसने बाबर को निमंत्रण दिया है बाबर को कि भाई आप आओ और इब्राहिम लोदी से टकराओ, इब्राहिम लोदी ढंग का शासक नहीं है, बड़ा ही रूढ़िवादी शासक है, तमाम तरह की निरंकुश शासक है, तमाम तरह की बातें उनसे कहलवाई हैं ताकि बाबर के आगमन के लिए बाध्य हो जाए, बाबर आगमन के लिए विचार बनाए, ठीक है। तो सातवां पॉइंट नोट करेंगे अब आप, छठे का पहला सब पॉइंट बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाएंगे। इसी समय दौलत खान ने अपने बेटे दिलावर खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बाबर के पास इसी समय दौलत खान ने अपने बेटे दिलावर खान के नेतृत्व में बाबर के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर भारत आने का निमंत्रण दिया, एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर भारत आने का निमंत्रण दिया, ठीक है, और सुझाया कि वह इब्राहिम लोदी को अपदस्थ कर दे, और सुझाया कि वह इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करे, जो निरंकुश था, जो
निरंकुश शासक है, यानी कि इब्राहिम लोदी को निरंकुश शासक बताया है इसने। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छठवें का पहला सब पॉइंट कि इसी समय दौलत खान ने अपने बेटे दिलावर खान के नेतृत्व में बाबर के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर भारत आने का निमंत्रण दिया, ठीक है, और सुझाया वह इब्राहिम लोदी को अपदस्थ करे जो निरंकुश शासक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो अब पहुँचते ही हैं, यानी कि दौलत खान ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा ही भेजा है। अब इसी समय राणा सांगा की भी दुश्मनी थी इब्राहिम लोदी से। तो देखिए इन लोगों का उस समय, अब मैं आपको एक परिप्रेक्ष्य बताता हूँ, यानी उस समय चाहे राणा सांगा हो चाहे कोई भी हिंदू शासक हो, तो उस समय ऐसा कोई इनकी भावना नहीं थी कि हमारा एक हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर हम अखंड भारत वाला सपना होगा हमारा, ऐसा कोई सपना नहीं था इन लोगों का। इन लोगों का मानना बस इतना था कि हमारा राज्य जो है सुरक्षित बना रहे, यानी हमारी जागीरें हैं, हमारे राज्य हैं, ये सुरक्षित बने रहे, हमें ना जनता से मतलब ना धर्म से मतलब कुछ भी मतलब नहीं है। तो राणा सांगा का मानना ये कहीं ना कहीं ये मानना था कि भाई जैसे तैमूर आया था 1398 में, वैसे उसी तरह से बाबर भी आएगा, लूट के चला जाएगा। ठीक है, राणा सांगा ने इस उद्देश्य से भेजा कि इस इतने में क्या होगा कि जो बाबर भारत में आएगा, इब्राहिम लोदी को जब लूटेगा उसी दौरान हम भी अपने राज्यों का विस्तार कर लेंगे, ऐसा राणा सांगा की सोच थी। ठीक है, तो राणा सांगा ने भी अपना संदेश भाग के जो है ये भारत पर आक्रमण करने के लिए यहाँ पर भेज दिया बाबर के पास। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे छठी का सेकंड सब पॉइंट, इसी समय राणा सांगा का एक संदेश भाग भी बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण देने के लिए पहुंचा। यानी कि अब तो बिल्कुल रास्ता क्लियर हो गया है भाई कि अब भारत पर आक्रमण करना ही करना है। और वैसे भी जो बाबर है, बाबर ने भारत के बारे में सब जान चुका था, सुन चुका था, क्योंकि उसके तमाम पूर्वज भारत में आ चुके थे, तो जानता था कि सोने की चिड़िया है, अच्छा खासा पैसा है यहाँ पर। तो बाहर अब उधर मध्य एशिया में उसकी स्थिति कमजोर है, मध्य एशिया जा नहीं सकता है, तो उसने सोचा कि भाई जो अपना शुरुआत के जो राज्य काबुल वगैरह जीते हैं, अब काबुल से बढ़िया जाइए, अब हम आगे यहाँ पे बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ऐसे करके बाबर का निमंत्रण मिल जाता है, बाबर फिर अपने यहाँ पर आ जाता है। अब देखते हैं सबसे पहले लड़ाई उसकी किससे होती है, उसकी लड़ाई इब्राहिम लोदी से होती है और ये लड़ाई थी पानीपत की लड़ाई। ठीक है, तो अब अगली हेडिंग आप डालेंगे इसी में, बाबर में सब हेडिंग है यहाँ पर पानीपत की लड़ाई 20 अप्रैल 1526, पानीपत की लड़ाई 20 अप्रैल 1526। ठीक है, अब इसी में पहला पॉइंट नोट करेंगे, देखिए बाबर से इब्राहिम लोदी का सामना पानीपत में हुआ। ठीक है, उसके पास 1,00,000 सैनिक और 1,000 हाथी थे। पहला पॉइंट है यह कि बाबर से इब्राहिम लोदी का सामना पानीपत में हुआ, उसके पास 1,00,000 सैनिक और 1,000 हाथी थे। ठीक है, अब देखिए बाबर बहुत होशियार था। बाबर ने क्या किया कि बाबर ने एक नई युद्ध तकनीक अपनाई। बाबर ने क्या किया इस युद्ध में, जैसे उस पहले के जो शासक थे उनका मानना यह था कि जो मध्य एशिया से आने वाले शासक हैं, पहले क्या था कि घोड़ों से लड़े जाते थे युद्ध, तो वे अच्छे खासे घुड़सवार होते थे और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते थे घोड़ों के दम पर। ठीक है, स्थिर होकर युद्ध नहीं लड़ते थे, बड़ी फुर्ती के साथ बात करते थे। तो यही भारतीय शासकों का भी सोचना था और इब्राहिम लोदी का भी यही सोचना था कि ये भी जो है मध्य एशिया के शासक हैं तो घोड़ों से लड़ाई लड़ाएंगे, हथियारों इनका ज्यादा मतलब है नहीं है, घोड़ों पर चढ़कर लड़ाई लड़ाएंगे। तो लेकिन बाबर ने क्या रणनीति चेंज कर दी, बाबर अपने साथ यहाँ पे कुछ तोपची भी लेके आया है, बंदूकियां भी लेके आया है। ठीक है, और उसने क्या किया कि एक पीछे अपना जहाँ पे तोपें वगैरह स्थापित की हैं उसके आगे खाई खुदवा दी है। ठीक है, और उसे झाड़ियों वगैरह से ढक दिया है, झाड़ी वगैरह से ढक दिया है ताकि मालूम ना पड़े, और ऊपर से जो उसके पीछे जो गाड़ियां थी तो उन गाड़ियों को उसने एक रस्सी से मतलब बंधवा दिया गाड़ियां, ताकि गाड़ियां बंध के एक दीवार तैयार हो जाए, और उसके पीछे उसने अपने तोपची रख दिए हैं। तो यहाँ पर आपका जो इब्राहिम लोदी का यही मानना था कि भाई ये भी जैसे तुर्क और सुर्ख शासक जो रहे हैं या मध्य एशिया के शासक रहे हैं, घोड़ों के दम पर जो जीते हैं, तो इसी तरह की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जैसे ही दो है आपका इब्राहिम लोदी है आगे बढ़ता है, इब्राहिम लोदी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, वैसे ही ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तोपों से हमला करते थे। तोपों से हमला करने की वजह से, क्योंकि इस तरह की रणनीति बिल्कुल नई रणनीति थी, जो है इब्राहिम लोदी की फिर यहाँ पर हार होती है, इब्राहिम लोदी की इस रणनीति की वजह से हार होती है, और ये बाबर की छोटी सेना इब्राहिम लोदी की 1,00,000 की सेना पर भारी पड़ती है, और इब्राहिम लोदी वहां से फिर जान बचाकर यानी कि वहां से बिल्कुल उसे निकलना ही पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड पॉइंट आप नोट करेंगे, यहाँ पर अब आप देखिए बाबर ने उस्ताद अली, इसमें उस्ताद अली थे, और मुस्तफा नामक दो उस्मानी उस्ताद तोपचियों को की सेवा भी ली इस युद्ध में। ठीक है, नोट कर लेना कि बाबर ने उस्ताद अली और मुस्तफा नामक दो उस्मानी उस्ताद तोपचियों की सेवा भी ली। ठीक है, अब देखिए जो बारूद है भारत में, तो बारूद का ज्ञान भारत में ऑलरेडी था, लेकिन इसके अलावा तोपों का इस्तेमाल है वो बाबर के इस युद्ध के बाद आम हुआ है। ठीक है, सेकेंड का सब पॉइंट नोट कर लेना
कि भारत में बारूद का ज्ञान था, बारूद का ज्ञान तो था, पर उत्तर भारत में बाबर के आगमन के बाद ही तोपों में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ, लेकिन उत्तर भारत में इसका इस्तेमाल तोपों में बाबर के आगमन के बाद ही स्टार्ट हुआ है। ये सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लेना आप, ठीक है। अगला पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहां पर, देखिए ये जो लड़ाई हुई है खान, जो पानीपत की लड़ाई है, तो पानीपत की लड़ाई ने लोधी सत्ता की यहां पे कमर तोड़ के रख दी है, ठीक है, और दिल्ली और आगरा तक का जो पूरा क्षेत्र है ये बाबर के अधीन कर दिया है। थर्ड पॉइंट नोट कर लेना, इस लड़ाई ने लोधी सत्ता की कमर तोड़ दी और तथा दिल्ली और आगरा तक का पूरा क्षेत्र बाबर के अधीन कर दिया, ठीक है। देखिए यहां पर अब जो बाबर है, बाबर को इस क्षेत्र पर अपना पूरा पूरा अधिकार जमाने के लिए बाबर को दो लड़ाइयां और लड़नी पड़ी हैं, ठीक है। तो थर्ड का सब पॉइंट नोट करेंगे आप, लेकिन बाबर को इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने से पहले दो सख्त लड़ाइयां लड़नी पड़ी। कौन कौन सी हैं? एक तो मेवाड़ के राणा सांगा के खिलाफ और दूसरी पूर्वी अफगानों के खिलाफ, पूर्वी अफगान यानी कि बिहार और बंगाल वाले अफगान जो शासक थे वहां पर, उनसे लड़ाइयां लड़नी पड़ी अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए इब्राहिम लोधी के बाद में, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा थर्ड का सब पॉइंट के, लेकिन बाबर को इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने के से पहले दो सख्त लड़ाइयां लड़नी पड़ी, एक तो मेवाड़ के राणा सांगा के खिलाफ और दूसरी पूर्वी अफगानों के खिलाफ, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर अगली जो लड़ाई है, अगली सब हेडिंग है आप डालेंगे खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई जो हुई है ये 1527 में हुई है, 1527 में खानवा की लड़ाई हुई है, ठीक है। देखिए जो खानवा की लड़ाई है, खानवा की लड़ाई होने का रीजन क्या था? रीजन यही था कि भाई जो कामना की थी, यानी कि कामना जो इनकी जो कामना थी, जो राणा सांगा की कामना यही थी कि भाई ये तैमूर की तरह आए हैं और तैमूर की तरह चले भी जाएंगे, यानी तैमूर जिस तरह से लूट मार करके गया है उसी तरह से ये भी चले जाएंगे। यानी राणा सांगा ने ये अपना जो है दूरदर्शिता नहीं लगाई थी कि ये क्या पता था ये यहीं पे जो है आसीन होकर बैठ जाएंगे, ऐसा सोचना नहीं था। राणा सांगा का यही मानना था कि इब्राहिम लोधी कमजोर हो जाएगा तो हमें अपना राज्य बढ़ाने में मदद मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। वो जब आके बैठ गए और फिर उनके ऊपर भी राज करने की सोचने लगे तो फिर यहाँ पर फिर युद्ध वाली कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब नोट करेंगे खानवा पर पहला पॉइंट, सिंधु गंगा वादी में बाबर के साम्राज्य की स्थापना राणा सांगा के लिए चुनौती थी, इसलिए सांगा ने बाबर को निकाल भार करने या कम से कम पंजाब तक सीमित कर देने की तैयारी शुरू कर दी, ठीक है। यानी सिंधु गंगा वादी में जो बाबर का साम्राज्य स्थापित हो गया था तो ये कहीं ना कहीं राणा सांगा के लिए चुनौती थी, तो इसलिए सांगा ने ये डिसाइड किया कि या तो बाबर को बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाए या फिर कम से कम पंजाब तक इसे सीमित कर दिया जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं यहां पर, अब देखिए यहां पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो मतलब जिन्होंने राणा सांगा का भी साथ दिया, उनमें कौन कौन व्यक्ति थे वो भी हम जानते हैं। यहां पर एक था इब्राहिम लोधी, यानी इब्राहिम लोधी का छोटा भाई था, सब पॉइंट करके लिखेंगे आप। पहले का सब पॉइंट है कि इब्राहिम लोधी के छोटे भाई महमूद लोधी समेत अनेक अफगानों ने राणा सांगा का साथ इस आशा से दिया कि यदि सांगा जीत जाता है तो उन्हें दिल्ली का तख्त वापस मिल जाएगा। यानी कि यहां पर जो अफगान थे वो भी राणा सांगा के साथ लग लिए, उन्होंने कहा कि राणा सांगा के साथ हम भी लड़ लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमें भी जो हमारी खोई हुई सत्ता है, कोई खोया हुआ तख्त है वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले का पहला सब पॉइंट यही है कि इब्राहिम लोधी के छोटे भाई महमूद लोधी समेत अनेक अफगानों ने राणा का साथ इस आशा के साथ दिया कि वह जीत जाता तो उन्हें दिल्ली तख्त वापस मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एक व्यक्ति और थे, इनका नाम था मेवात के शासक, जो हैं मेवात के शासक हसन खान। हसन खान मेवाती ने भी सांगा का साथ यहां पर दिया, ठीक है। तो नोट कर लेना यहां पर के सेकंड सब पॉइंट, पहले का मेवात के शासक हसन खान मेवाती एवं प्रमुख राजपूत शासकों ने भी राणा सांगा का साथ दिया एवं प्रमुख राजपूती शासकों ने, यहां ऐड करना मेवाती एवं प्रमुख राजपूती शासकों ने भी राणा का साथ दिया, ठीक है। ये आपका पहले का सेकंड सब पॉइंट है। अब देखिए बाबर ने वही रणनीति अपनाई जो पहले अपनाई थी। बाबर ने एक अपना स्थान चुना सावधानी पूर्वक, यानी कि बाबर ने एक जो आगरा से 40 किलोमीटर दूर इसने एक खानवा को अपना ठिकाना बनाया लड़ाई के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट नोट करेंगे आप, बाबर ने आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा को अपना ठिकाना बनाया, यानी लड़ाई के लिए बाबर ने खानवा को चुना, ठीक है।
अब देखिए खानवा की लड़ाई जो थी यहां पर भी उसी ने वही रणनीति अपनाई कि आगे भारी प्रतिरक्षा में अपने गाड़ियों को आपस में बांध दिया और दोहरी सुरक्षा के लिए सामने खाई खुदवा दी। इसके अलावा इस प्रतिरक्षा के पीछे बंदूक जो बंदूक छी थे वो भी लगा दिए और पहियेदार सिपाहियों के पीछे यहां पर तोपें भी खड़ी कर दी, यानी कि वही रणनीति अपनाई। अब राणा सांगा के साथ दिक्कत क्या हुई, राणा सांगा इस रणनीति को समझ नहीं पाया। राणा सांगा कोई हारने का रीजन ये था, उसने इब्राहिम लोदी का जो युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी और इनका जो बाबर का युद्ध हुआ था, उसने उससे कोई प्रेरणा नहीं ली और ना ही उससे कोई रणनीति बनाई। यानी राणा सांगा मुंह उठा के चल दिए और यही रीजन था कि राणा सांगा की हार यहां पे होती है। यानी राणा सांगा की इतनी बड़ी सेना, इसमें मेवात के शासक की सेना ऐड है, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई भी ऐड है और राजपूत शासकों ने अपनी सेनाएं ऐड की हैं, फिर भी राणा सांगा हार गए, तो हारने का रीजन यही था कि राणा सांगा ने अपनी रणनीति को एनालिसिस नहीं किया, राणा रणनीति को पूरी तरह से जांचा नहीं था, परखा नहीं था और ये उन्होंने इस चीज को अध्ययन नहीं किया था कि इब्राहिम लोदी से लड़ाई हो चुकी है इनकी, तो हमें भी सबक लेना चाहिए। इस चीज से वो बेखबर रहे, तो कहीं ना कहीं राणा सांगा की यहां पर हार होती है। ठीक है, तो सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे आप यहां पे। पहला सब पॉइंट, खानवा की लड़ाई बहुत भयानक रही। ठीक है, यहां पे आगे लिखेंगे खानवा की लड़ाई बहुत भयानक रही, इसी में आगे लिखेंगे सांगा ने बावर के दाएं बाजू पर हमला करके उसे लगभग काट ही डाला। इसी में लिखेंगे आप, यानी सेकंड का पहला सब पॉइंट है, बावर जो है खानवा की लड़ाई बहुत भयानक रही, सांगा ने बावर के दाएं बाजू पर हमला करके लगभग उसे काट ही डाला। ठीक है, सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे यहां पर आप इसी में, सेकंड पॉइंट और सेकंड सब पॉइंट है, मुगल तोपों ने राणा की सेना का भारी संहार किया। मुगल तोपों ने राणा की सेना का भारी संहार किया और धीरे धीरे सांगा की सेना पीछे धकेल दी गई, और धीरे धीरे जो राणा सांगा की सेना थी ये पीछे की तरफ धकेल दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड का थर्ड सब पॉइंट। देखिए सांगा की जो फौजें थी वो घिर गई थी, इसी बीच सांगा जो होता है वो कहीं ना कहीं निकल के भाग जाता है, यानी कि सांगा चुपचाप इसी में निकल के भागने में ही भलाई समझता है। ठीक है, हाँ, इसी में आप सब पॉइंट करके नोट करेंगे। सांगा की फौजें घिर गईं। देखिए शायद कट गई है स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिख लीजिए कि सांगा की फौजें घिर गईं और यहां से है स्लाइड। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सांगा की फौजें घिर गईं और भयंकर मारकाट के बाद पराजित हो गई। राणा सांगा बच निकला। ये आपका सेकंड का थर्ड सब पॉइंट था कि जो आपकी सांगा की फौजें थी ये पीछे जो है ये घिर गई और भयंकर मारकाट के बाद पराजित हो गई और राणा सांगा यहाँ पे बच निकलता है। ठीक है, अब देखिए राणा सांगा ने फिर और कोशिश की, लेकिन तब तक उसके कुलीनों ने ही उसे मार दिया, उसके बेटे ने ही उसे जो है विश्वासघात करके मार दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरह से राजस्थान के सूरवीर जो योद्धा था इसका अंत हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो खानवा की लड़ाई हुई है ये आपकी दिल्ली आगरा के क्षेत्र में लड़ाई हुई है, ये आपकी जो नकल ही थी, यानी खानवा की लड़ाई कहीं ना कहीं पानीपत की लड़ाई की नकल थी। ठीक है, आप यहां पर नोट करेंगे आप अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है आपका। ठीक है, तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, खानवा की लड़ाई पानीपत की लड़ाई की ही लगभग नकल थी। थर्ड का सब पॉइंट नोट करेंगे यहां पर, स्पष्ट है कि इब्राहिम लोदी की पराजय से राणा सांगा ने कुछ नहीं सीखा था और न बाबर की रणनीति का अध्ययन किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हार पे लिखने को अगर आ जाए कि एनालिसिस करने को आ जाए, विश्लेषण करने को आ जाए, तो आप लिख देंगे क्यों हारा, क्या रीजन था, ये सब आप लिख देंगे। ठीक है, तो आपका ये आपका थर्ड का सब पॉइंट है, स्पष्ट है इब्राहिम लोदी की पराजय से राणा सांगा ने कुछ नहीं सीखा था और न बाबर की रणनीति का अध्ययन किया था। ठीक है, ये आपका थर्ड का सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब चौथा पॉइंट नोट करेंगे। खानवा की लड़ाई ने दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति को सुरक्षित बना दिया है। ठीक है, खानवा की लड़ाई ने दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति को सुरक्षित बना दिया। चौथे का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे,
आगरा के पूरब में ग्वालियर, धौलपुर आदि किलों की श्रृंखला को जीतकर बाबर ने अपनी सिद्धि को और मजबूत बनाया। ठीक है, यानी आगरा के पूरब में ग्वालियर, धौलपुर आदि के किलों को जीतकर बाबर ने अपनी सिद्धि को और मजबूत बनाया। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया, चौथे का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे अब यहां पर, जो हसन खान मेवाती जिन्होंने सांगा का साथ दिया था, उसने हसन खान मेवाती से अलवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया। ठीक है, यानी कि जो हसन खान मेवाती है जिसने सांगा का साथ दिया था, इनके राज्य का भी बहुत बड़ा हिस्सा छीन लिया बाबर ने। ठीक है, चौथे का सेकंड सब पॉइंट है। चौथे का थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे आप यहां पर, फिर उसने मालवा में चंदेरी की मेदिनी राय के खिलाफ एक अभियान चलाया। यानी बाबर ने ये हसन खान मेवाती का राज्य का हिस्सा छीनने के बाद फिर मालवा के चंदेरी के जो मेदिनी राय हैं, मालवा में चंदेरी के, तो इनके खिलाफ इन्होंने एक अभियान चलाया था। ठीक है, तो चौथे का थर्ड सब पॉइंट है, तो आपने नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगली हेडिंग है आपकी, यानी अगली सब हेडिंग है अफगान, अफगानों से इनका युद्ध कैसे कैसे हुआ बाबर का, तो हम यहाँ पे वो जानेंगे। ठीक है, अफगानों के बारे में देखिए, पूर्वी यूपी जो है इसमें ऐसे अफगान सरदारों का वर्चस्व था जो बाबर की अधीनता तो इन्होंने स्वीकार कर ली थी, लेकिन ये हमेशा इस स्थिति में रहते थे कि कहीं ना कहीं मौका मिले तो बाबर को उखाड़ के फेंक दें। ठीक है, यानी पूरी तरह से अधीन नहीं हुए थे, दिखावा करते थे केवल कि भाई हम आपके अधीन है, लेकिन अधीन नहीं थे, जैसे मौका मिलता था तो उखाड़ फेंकने की तैयारी करने लगते थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही नोट कर लेना कि पूर्वी यूपी में ऐसे सरदारों के, पूर्वी यूपी ऐसे अफगान सरदारों के वर्चस्व में था, पूर्वी यूपी या पूर्वी उत्तर प्रदेश ऐसे अफगान सरदारों के वर्चस्व में था जिन्होंने बाबर की अधीनता को तो स्वीकार की थी, पर उसे उखाड़ फेंकने के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे। ठीक है, अब देखिए, अफगान सरदार थे, इनको सह देने वाला जो व्यक्ति था ये था, चौथे पहले का सब पॉइंट ये था, आपका बंगाल का शासक नुसरत शाह, ये सह दे रहा था। इसकी जो एक बेटी थी, इसने अपनी एक बेटी का ब्याह इब्राहिम लोदी से करवाया था। ठीक है, तो पहले का पहला सब पॉइंट नोट कर लेना कि अफगान सरदारों को बंगाल का शासक नुसरत शाह सह दे रहा था जिसने अपनी एक बेटी इब्राहिम लोदी से ब्याही थी। ठीक है, अब इससे पहले क्या हुआ था, यानी कि ये तो बंगाल का शासक नुसरत शाह ने सह दे रहा है अफगानों को, अब इससे पहले एक घटना और घटी थी, पहले का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे कि इससे पहले अफगान जो पूर्वी यूपी से मुगल हाकिमों को भगाकर कन्नौज तक पहुंचा चुके थे, यानी इससे पहले जो अफगानों ने क्या किया था, जो मुगल हाकिम थे तो उन्हें पूर्वी यूपी से भगाकर, यानी बिहार साइड से भगाकर उन्हें इन्होंने कन्नौज तक पहुंचा दिया था। ठीक है, यानी कन्नौज तक अफगानों का अधीन हो गया था। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब यहां पर एक बात और निकल के आती है, यहां पर कुछ समय बाद एक जो आपके इब्राहिम लोदी हैं, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, इसने जो खानवा में बाबर के खिलाफ लड़ चुका था, ये भी बिहार में जा पहुंचा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, कुछ समय बाद इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी जो खानवा में बाबर के खिलाफ लड़ चुका था बिहार जा पहुंचा। ठीक है, अब यहाँ पे अफगानों ने उसको अपने नेता के रूप में स्वागत भी किया है, ऑब्वियसली बात है, वो भी अफगान का स्वागत किया है उसे, और अपनी शक्ति को यहाँ पे अर्जित करने के लिए एकजुट होने लगे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाबर भी इस सब खतरे से अनजान नहीं था, बाबर को भी पता था कि भाई ये खतरा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आपको एक बात और बता दूं, आपने ये बात तो अध्ययन कर ही ली होगी कि पूरब वाला जो क्षेत्र है, यानी पूर्वी बिहार वाला क्षेत्र जो है, बंगाल वाला, इस पर किसी का अधीन नहीं हो पाया है पूरी तरह से, क्योंकि इतना लंबा रन था, इतना लंबी दूरी थी कि जैसे अधीन करते थे कुछ महीनों बाद फिर से वो आजाद हो जाते थे, सभी के में यही रहा है। ठीक है, यानी ये क्षेत्र हमेशा विवादास्पद रहा है और किसी का अधीन पूरी तरह से रह नहीं पाया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट, बाबर ने कहां पर गया, थर्ड पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, हाँ यहीं पे नोट करेंगे थर्ड पॉइंट, बाबर ने मालवा के बाद कट गया है यहां पे, बाबर ने मालवा के बाद, थर्ड पॉइंट आपका यही है कि बाबर ने मालवा के बाद सीधे कन्नौज जाकर उनसे एक तीखी लड़ाई में अफगानों को हराया और जौनपुर तक के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यानी कि बाबर ने क्या किया, मालवा की लड़ाई के बाद सीधे कन्नौज में गया ये, और कन्नौज में अफगान जो उछल रहे थे उनको हराकर इसने जौनपुर तक का जो है अपने हिस्से में ले लिया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यही है, बाबर ने मालवा के बाद सीधे कन्नौज जाकर लड़ाई में अफगानों को हराया और जौनपुर तक के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक है, चौथा पॉइंट नोट करेंगे आप यहां पर, 1529 के आरंभ में, 1529 ईस्वी में, इस तरह देखें, 1529 ईस्वी में बाबर ने
बनारस के पास गंगा पार करके 1529 ईस्वी में बाबर ने बनारस के पास गंगा पार करके उसने घाघरा के संगम पर अफगानों और बंगाल के नुसरत शाह की संयुक्त सेना का सामना किया। घाघरा लिखा है यहाँ पे, घाघरा लिखा है, घाघरा नदी का नाम लिखा है इस तरह से, ठीक है। घाघरा के संगम पर अफगानों और बंगाल के नुसरत शाह की संयुक्त सेना का सामना किया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ चौथा पॉइंट, 1529 ईस्वी में बाबर ने बनारस के पास गंगा पार करके उसने घाघरा के संगम पर अफगानों और बंगाल के नुसरत शाह की संयुक्त सेना का सामना किया। अब देखिए स्थिति यहाँ भी वही थी, इसे यह भी मालूम था कि हम अगर जीत भी लेते हैं तो ज्यादा दिनों तक ये अधीन रहने वाले नहीं है। तो इसने इस स्थिति में क्या किया, जो बाबर है इसने बंगाल के नुसरत शाह से एक संधि कर ली है कि कहीं ना कहीं बंगाल के शासक से हमारी संधि हो जाएगी तो बंगाल का शासक जो है अफगानों की शक्ति को सीमित करने का थोड़ा बहुत प्रयास करेगा। इसी उद्देश्य से बाबर ने यहाँ पे संधि कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप नोट करेंगे चौथे का सब पॉइंट, उसने बंगाल के नुसरत शाह से भी एक संधि की। अंत या इस तरह से लिख लेना, अंत में उसने बंगाल के नुसरत शाह से भी एक संधि की, ठीक है। अब देखिए ये तो संधि यहां तक हो गई, अब इसके बाद क्या होता है एंड में, कुछ ही समय बाद इसके बाद बाबर जो है ये काबुल जाते समय इसके पास लाहौर के पास इसकी मृत्यु हो जाती है। पांचवा पॉइंट नोट कर लेना, कुछ ही समय बाद बाबर काबुल जाते हुए लाहौर के पास चल बसा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली जो हेडिंग डालते हैं, अब आपकी हेडिंग स्वतंत्र रूप से है, भारत में बाबर के आगमन का महत्व, यानी महत्व क्या क्या हुआ और क्या क्या कंडीशन हमें देखने को मिलती है, क्या क्या नए आयाम यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। पहली बात, सबसे बड़ा पहला पॉइंट जो निकल के आता है कि कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद काबुल और कंधार पहली बार उत्तर भारत पर आधारित एक साम्राज्य के अभिन्न अंग बने थे। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपका यही है कि कुषाण साम्राज्य के समय ही काबुल और कंधार जो थे भारत का अभिन्न अंग थे, उसके बाद बाबर के टाइम में दोबारा फिर बने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट नोट कर लेना। अब देखिए यहीं पे सब पॉइंट नोट करेंगे पहले का, उन पर अधिकार जमाकर बाबर और उसके उत्तराधिकारियों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत को बाहरी हमलों से सुरक्षित रखा। यानी कि इन्होंने जैसे अपना जो काबुल और कंधार पर अधिकार जमा लिया है, उससे क्या हुआ, जो बाहरी शासक हैं उनके आने का रास्ता बंद हो गया है, यानी बाहरी शासकों से कहीं ना कहीं 200 सालों तक भारत पर सुरक्षित रहा है, इसका ये लाभ हुआ है, ठीक है। तो पहले का पहला सब पॉइंट यही है कि उन पर अधिकार जमाकर बाबर और उसके उत्तराधिकारियों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत को बाहरी हमलों से सुरक्षित रखा, ठीक है। इसके अलावा ये क्षेत्र जो था ये आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था, काबुल और कंधार वाला, क्योंकि यहीं से महत्वपूर्ण मार्ग भी निकल रहे थे, ठीक है। यानी आर्थिक दृष्टि से भी लिखेंगे आप, आर्थिक दृष्टि से भी ये दो नगर पूर्व में चीन और पश्चिम में भूमध्य सागरी बंदरगाहों तक जाने वाले काफिलों के प्रस्थान बिंदु होते थे। यानी कि आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण नगर थे काबुल और कंधार, तो इनका नियंत्रण कहीं ना कहीं भारत के विदेशी व्यापार में वृद्धि का संकेत हुआ है, ठीक है। तो पहले का सेकेंड सब पॉइंट यही है कि आर्थिक दृष्टि से भी ये दो नगर पूर्व में चीन और पश्चिम में भूमध्य सागरी बंदरगाहों तक जाने वाले काफिलों के प्रस्थान बंद होते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट यहां पे नोट करेंगे। अब आप देखिए बाबर और उसके उत्तराधिकारी, यानी यहां तक तो आपने जान लिया। अब देखिए बाबर और जो उत्तराधिकारी उसके रहे हैं, तो उनकी एक हार्दिक इच्छा रही जीवन भर कि वो अपने वतन जो है फरगाना, इसको फिर से पाने की थी। और इसकी वजह से वो क्या करते थे कि अक्सर उनका मध्य एशिया के साथ आना जाना लगा रहता था, मध्य एशिया पर वो नजर रखते थे, ठीक है, कि कब मौका मिले और कब हम अपना जो वतन है हमारा वो हम उसे वापस करें। तो सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, बाबर और उसके उत्तराधिकारियों की हार्दिक इच्छा अपने वतन फरगाना को फिर से पाने की थी, इसके कारण भी भारत मध्य एशिया के विकास क्रमों पर गहरी नजर रखता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए बाबर ने और क्या किया। बाबर ने भारत को जो तोपखानों से लैस वाली जो प्रणाली है, यानी बाबर ने भारत को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाबर ने भारत को तोपखाना और सवार सेना का कुशल समन्वय वाली युद्ध की नई शैली से परिचित कराया। थर्ड पॉइंट आप इस तरह से नोट करेंगे कि बाबर ने भारत को तोपखाना और सवार सेना का कुशल समन्वय वाली युद्ध की नई शैली से परिचित कराया, यानी कि अपने आप में भारत में पहला युद्ध था इस तरह का, तोपखाने से जो हुआ है, तोपों से जो हुआ है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे तोप खाने को जैसे क्या यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तोपों का जब उदय हुआ है तो चूंकि तोप खाना जो था ये बहुत खर्चीला होता था, इसे रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ वही शासक करते थे जिनके पास पर्याप्त संसाधन हो, और ऐसे में छोटे रजवाड़ों का युग समाप्त हो गया है। छोटे छोटे जो रजवाड़े थे अब उनकी तो कोई औकात ही नहीं रही, कहने का मतलब ये है जब तोपों से लड़ाई होने लगी तो छोटे छोटे रजवाड़ों की तो हिम्मत ही नहीं रही कि अब हम लड़ पाएं। ठीक है, तो थर्ड का सब पॉइंट यही है, क्योंकि तोप खाना रखना बहुत खर्चीला होता था इसलिए इसका इस्तेमाल वही शासक करते थे जिनके पास पर्याप्त संसाधन हो, इस तरह छोटे छोटे रजवाड़ों का युग समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए बाबर के साम्राज्य के साथ एक समस्या और नहीं थी, यानी कि आपने अन्य साम्राज्यों में यह देखी है कि उसके जो नियर बाई बगल यानी अगल बगल के अमीर लोग हैं, कुलीन लोग हैं, वो बराबरी करने लगते थे शासक की और मौका देखते थे कि यही ना कि शासक को हम पदच्युत कर दें और उसकी जगह हम आसीन हो जाएं। लेकिन बाबर इतना स्ट्रांग बैकग्राउंड से आया था कि उसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता था, तो दोनों ही बैकग्राउंड बहुत खतरनाक बैकग्राउंड रहे थे बाबर के, तो इस वजह से कोई बाबर की बराबरी करने की सक्षम नहीं था। ठीक है, तो बाबर को इसका भी लाभ मिला है। तो चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, आप यहाँ पर बाबर की प्रतिष्ठा एशिया के दो सबसे मशहूर योद्धाओं चंगेज और तैमूर के वंशज के रूप में थी, इसलिए उसका कोई भी अमीर ना तो उसकी बराबरी का दावा कर सकता था और ना उसके तख्त की कामना कर सकता था। यानी यही कारण बना कि बाबर के जो जब मुगल वंश आया है तो मुगलों की कोई बराबरी नहीं कर पाया है और मुगलों की गद्दी पर बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के वंश के लोगों का रहा है, किसी और बाहरी व्यक्ति का नहीं हो पाया है। ये रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसका जो रीजन था, इसका कारण ये था कि भाई जो चंगेज और तैमूर के वंशज रहे हैं, इतने महान योद्धाओं के वंशज थे, इसका कहीं ना कहीं लाभ मिला है। ठीक है, चौथा पॉइंट यही है कि बाबर की प्रतिष्ठा एशिया के दो सबसे मशहूर योद्धाओं चंगेज और तैमूर के वंशज के रूप में थी, इसलिए कोई भी अमीर ना तो उसकी बराबरी का दावा और ना ही तख्त की कामना कर सकता था। ठीक है, अब देखिए बाबर इसके अलावा क्या था, बाबर जो है शराब का बहुत शौकीन था, शराब और अच्छी सोहबत का मतलब होता संगत, यानी जो अब हम मान सकते हैं फारसी भाषा में सोहबत बोलते हैं, यानी कि अच्छी संगत या को हम सोहबत भी बोलते हैं, यानी अच्छी सोहबत में रहो। ठीक है, सुना होगा आपने। तो पांचवा पॉइंट नोट करेंगे यहां, बाबर शराब और अच्छी सोहबत का शौकीन था। ठीक है, साथ ही वह कठोर अनुशासनवादी और सख्त काम लेने वाला भी था, यानी कि ये अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं इन पर अच्छा खासा इनके तमाम रवैयों को ये जो है नजरअंदाज भी कर देता था तमाम गलतियों को, यानी कि एक तरह से अच्छा खासा शासन चला रहा था, अपने इसके जो नीचे अधीनस्थ कर्मचारी थे, अधीनस्थ जो सैनिक लोग थे उससे असंतुष्ट नहीं थे, जैसे अन्य शासक क्या करते थे एक दुर्व्यवहार करते थे, इस टाइप का दुर्व्यवहार नहीं करता था, यानी वो अपने जो बेग बोले जाते थे अधीनस्थ जो थे, यानी जो सेना के निम्न वर्ग के जो लोग थे उन्हें बेग कहा जाता था, उनके साथ जो कठोर व्यवहार नहीं करता था, बड़ा ही सुगम व्यवहार करता था, तो इस वजह से उसके जो बेग वगैरह थे वो सब उसके अंडर में रहते थे, यानी बेग से मतलब उसके अधीनस्थ कर्मचारी या अधीनस्थ सेनापति वगैरह तमाम लोग सब उसके फेवर में रहते थे, सबसे बड़ा रीजन ये भी था। ठीक है, अब देखिए बाबर यहाँ पर जो आप देखेंगे बाबर का चरित्र, बाबर एक सुन्नी था, यानी रूढ़िवादी सुन्नी था, लेकिन धर्मांध नहीं था, यानी इतना धर्म में अंधा नहीं था कि वो भाई इस्लाम के अलावा किसी और की ना सुने। ठीक है, ना ही वह इस्लाम के धर्माचार्यों से प्रेरित होता था, यानी कि वो अपनी दिल की सुनता था, कहने का मतलब यह है। ठीक है, छठा पॉइंट यही है कि बाबर रूढ़िवादी सुन्नी था पर वह धर्मांध नहीं था, ना ही वह इस्लाम के धर्माचार्यों से प्रेरित होता था। ठीक है, अब देखिए बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की है, ये पूछा जाता है काफी बार कि बाबर ने किस शासक की लड़ाई के फलस्वरूप गाजी की उपाधि धारण की थी, सांगा से लड़ाई के फलस्वरूप उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, सातवां पॉइंट आप नोट करेंगे, उसने सांगा से लड़ाई को जिहाद ठहराया और जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। देखिए इसके तमाम राजनीतिक कारण भी थे गाजी की उपाधि धारण करने के। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने भारत में एक अपने आप को बहुत बड़ा शासक प्रदर्शित करने के लिए उसने उपाधि धारण की थी गाजी की। ठीक है, सातवां पॉइंट यही है, उसने सांगा से लड़ाई की को जिहाद ठहराया और जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। गाजी मैंने बताया था धर्म का रक्षक, ठीक है, जो आप पढ़ चुके हैं पहले गाजी वर्ड। ठीक है, यानी कि धर्म का लोप हो रहा था वहां पे, तो सांगा से इसने लड़ाई को जिहाद ठहरा दिया, जिहाद ठहरा कर इसने अपने आप को गाजी की उपाधि धारण की। जिहाद ठहराने का मतलब यही था कि भाई उसने कहीं ना कहीं हमारे साथ वफादारी नहीं की है, उसका मानना यह था कि बाबर आया है, बाबर लूट के चला जाएगा और यहाँ पे देश में नहीं रहेगा, यानी यही सब जो है आपसी जो है जो थे वैचारिक मतभेद थे जिसकी वजह से युद्ध हुआ था। ठीक है, अब देखिए उसने यहाँ पर उसके काल में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि उसने अंधाधुंध मंदिरों को तोड़वाया या फिर जो है तमाम हिंदू मंदिरों को कन्वर्ट करवाया, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। राम मंदिर वाला मुद्दा जो है यहीं से जुड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट के सिनेरियो में प्रेजेंट परिपेक्ष में भी बता दूँ कि राम मंदिर वाला जो मुद्दा है वहीं से जुड़ा हुआ है।
वास्तव में अगर राम मंदिर अगर देखा जाए तो राम मंदिर पर जो है बाबर का आक्रमण नहीं हुआ था, राम मंदिर पर बाबर का आक्रमण नहीं हुआ था, राम मंदिर पर जो इसका एक सेनापति था इक्बे बैरत ने इस मंदिर को कन्वर्ट किया था। इक्बे बैरत ने, ऐसा कहा जाता है तमाम ऐतिहासिक पुस्तकें आप और भी देखेंगे, इक्बे बैरत इसका सेनापति था, उसने इस मंदिर को जो है कन्वर्ट करके जो है वहां पर मस्जिद बनाई थी, ठीक है, जबकि बाबर का हस्तक्षेप नहीं था उसमें। आप स्पष्ट रूप से अगर पढ़ेंगे, डीपली थोड़ी पढ़ेंगे, क्योंकि इस चीज इसमें ऐड नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, तो बाबर ने नहीं किया था, यानी कि बाबरी मस्जिद तो नाम दिया गया, उसका नाम बाद में दिया गया उसके सेनापति ने, इक्बे बैरत ने, ठीक है। अरे बाबर इस तरह का नहीं था, बाबर ने अपनी जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति बरती थी, उसे तमाम मंदिरों तमाम मस्जिदों का जो मरम्मत करवाई थी, तमाम शिलालेख लिखवाई थी उनके सम्मान में, ठीक है। लेकिन ये मंदिर जो वाला जो मैटर था राम मंदिर वाला, तो ये इसके सेनापति ने किया था, ठीक है, ना कि बाबर ने, ये भी मैंने बता दिया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, लिखना नहीं है, जान लीजिए केवल। आठवां पॉइंट नोट करेंगे यहां पर, देखिए फारसी और अरबी भाषा में इसका अच्छा खासा ये पारंगत था। ये आठवां पॉइंट यही है, फारसी और अरबी में बाबर का पूरा दखल था, ठीक है। उसे तुर्की भाषा के, जो उसकी मातृभाषा थी, दो सबसे मशहूर लेखकों में गिना जाता है, यानी बाबर को तुर्की भाषा के दो मशहूर लेखक रहे हैं, उनमें से एक बाबर भी है, कहने का मतलब यही है, आठवां पॉइंट यही है, फारसी और अरबी में उसका पूरा दखल था। उसे तुर्की भाषा के जो उसकी मातृभाषा थी, दो सबसे मशहूर लेखकों में गिना जाता है, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब इसी में सब पॉइंट, आठवें का पहला सब पॉइंट, उसका सुप्रसिद्ध संस्मरण तुजुक ए बाबरी यानी बाबर नामा विश्व साहित्य की अद्वितीय कृतियों में से एक माना जाता है, ठीक है। उसका प्रसिद्ध संस्मरण तुजुक ए बाबरी यानी ब्रैकेट में बाबर नामा विश्व साहित्य की अद्वितीय कृतियों में से एक माना जाता है, ठीक है। आठवें का सेकंड सब पॉइंट, उसकी दूसरी रचनाओं में एक मसनवी तथा एक सुप्रसिद्ध सूफी ग्रंथ का तुर्की अनुवाद शामिल है। आठवें का सेकंड सब पॉइंट है ये, उसकी दूसरी रचनाओं में एक मसनवी तथा एक सुप्रसिद्ध सूफी ग्रंथ का तुर्की अनुवाद शामिल है, ठीक है। इसके अलावा बाबर ने क्या क्या अपने भारत को दिया, उसने बहते पानी से युक्त अनेक सुंदर बाग लगवाए और इस तरह उसने बागवानी की एक परंपरा कायम की, यानी कि आपने देखा होगा मुगलों ने तमाम अपने बाग बनवाए हैं, तो बागवानी की परंपरा यहीं से कायम हुई है, फिरोज तोलक के बाद बागवानी की परंपरा को इसने संरक्षण दिया है बाबर ने, ठीक है। तो नोट कर लेना नवा पॉइंट कि उसने बहते पानी युक्त सुंदर बाग बनवाए और इस तरह उसने बागवानी की एक परंपरा कायम की। आगे बढ़ते हैं, दसवां पॉइंट नोट करेंगे यहां पर, बाबर ने राज्य की नई धारणा ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा कौमा धार्मिक और पांतिक कट्टरता के त्याग तथा संस्कृत और ललित कलाओं के प्रोत्साहन पर आधारित है, यानी बाबर के राज्य की नई धारणा इसलिए लिखें बाबर के राज्य की नई धारणा ने हटा लेना बाबर के, ठीक है, बाबर के राज्य की नई धारणा ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा कौमा धार्मिक और पंथिक कट्टरता के त्याग तथा संस्कृत और ललित कलाओं के प्रोत्साहन पर आधारित थी, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे बाबर के चरित्र के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है आपकी हुमायूं की गुजरात विजय। आपने ये तो जान लिया कि लाहौर जाते समय बीच में ही बाबर जो है लुढ़क गया है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हुमायूं जो है ये अपने सत्ता में आसीन होता है। जैसा कि आपको पता है कि परंपरा ये रही है इस्लाम में कि सभी बच्चों का अपना बराबर का हक होता है गद्दी पर, तो यही समस्या यहाँ पर भी रही, यानी यहाँ पर भी इसे अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा है हुमायूं को भी, ठीक है। पहला पॉइंट यही है, 23 साल की युवावस्था में हुमायूं दिसंबर 1530 में बाबर का उत्तराधिकारी बना, ठीक है, यानी कि 23 साल की युवावस्था में हुमायूं जो है दिसंबर 1530 में बाबर का उत्तराधिकारी बना है, ठीक है, पहला पॉइंट यही है। अब देखिए यहां पर जब बाबर के टाइम पर बाबर का उत्तराधिकारी बना तो इसे तमाम समस्याओं का जो है जूझना पड़ा, जैसे तमाम समस्याएं जो थी, वित्तीय संकट था, अफगानों की स्थिति थी और तमाम ऐसे राज्य थे जो मुगलों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो और इसके अलावा अपने भाइयों के में साम्राज्य का बंटवारा, तो ये सब तैमूरी परंपराओं के अकॉर्डिंग उसे सब ये सामना से जूझना पड़ा है, ठीक है, हुमायूं को भी। तो यहां पे आप पहले का आप सब पॉइंट आप नोट करेंगे, जब हुमायूं जब आगरा के तख्त पर बैठा तो काबुल और कंधार साम्राज्य में, इस तरह से आप लिखेंगे कि जब वह आगरा के तख्त पर बैठा जब हुमायूं जब आगरा के तख्त पर बैठा
ठीक है। जब ये आप इस तरह से लगेंगे, हुमायूं जब आगरा के तख्त पर बैठा तो काबुल और कंधार साम्राज्य में शामिल थे, काबुल और कंधार साम्राज्य में शामिल थे। इसी में आगे लिखेंगे, इन पर उसके छोटे भाई कामरान का शासन था। किसका? कामरान का। कामरान का शासन किसका, किस पर था? काबुल और कंधार पर। ठीक है, इन पर उसके छोटे भाई कामरान का शासन था। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले का सब पॉइंट, पहले का पहला सब पॉइंट यही है, हुमायूं जब आगरा के तख्त पर बैठा तो काबुल और कंधार साम्राज्य में शामिल थे, इन पर उसके छोटे भाई कामरान का शासन था। ठीक है, अब देखिए कामरान जो था भाई, कामरान यहाँ पे बैठा तो हुआ था, लेकिन कामरान का बड़ा इसका भी सिस्टम खराब था, लेकिन इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, जनता भी बहुत ज़्यादा गरीब थी, जनता बहुत कम थी, ज़्यादा हरियाली भी नहीं थी यहाँ पर। ठीक है, यानी व्यापारिक केंद्र तो थे लेकिन उतनी ज़्यादा ये डेवलप्ड नहीं थे उस समय, तो कामरान भी इस राज्य से संतुष्ट तो नहीं था। तो पहले का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे आप यहाँ पे, कामरान गरीबी के मारे हुए इन क्षेत्रों से संतुष्ट ना था, इसलिए उसने लाहौर और मुल्तान की ओर कूच किया और उन पर अधिकार कर लिया। यानी कि जो कामरान है, कामरान जो अपना कंधार और काबुल वाले क्षेत्र हैं, इन संतुष्ट नहीं है, और इसने इसी स्थिति में लाहौर और मुल्तान की ओर कूच करके इन पर अधिकार जमा लिया है। अब देखिए ये सूचना जब हुमायूं को मिलती है तो हुमायूं को भी ये लगने लगता है कि कहीं ना कहीं उसके और जो भाई हैं वो कहीं ना कहीं अवसर पाकर विद्रोह ना कर दें, अवसर पाकर वो कहीं ना कहीं एक विद्रोह की स्थिति ना क्रिएट कर दें, तो कहीं ना कहीं हमारा राज चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसे ये सब स्थितियों का सामना करना ही पड़ा। लेकिन एक बात उसके माइंड में बहुत क्लियर थी, उसके माइंड में ये बात बहुत क्लियर थी कि कामरान जब तक आपके पश्चिम में बैठा हुआ है, कम पश्चिम वाले क्षेत्र में कामरान का जब तक शासन है, चाहे वो और राज्यों का हथियार ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक वो पश्चिमी सीमाओं से बहुत बिल्कुल बेखबर है। ठीक है, उसका मानना यह था। तो पहले का थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे, पहले का सब पॉइंट यहां पर नोट करेंगे, यहां पर कामरान को, कामरान को पश्चिमी कामरान को पंजाब और मुल्तान देने का तत्कालिक लाभ यह हुआ कि अपनी पश्चिमी सीमाओं की चिंता किए हुए बगैर हुमायूं पूर्वी भागों पर ध्यान देने के लिए मुक्त हो गया। यानी कि जो इसने अपने अधीन लाहौर और मुल्तान कर लिए हैं, तो लाहौर मुल्तान का फायदा इसे ये मिला है हुमायूं को कि अब वो अपना अभी वो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग से टेंशन फ्री हो गया है। पश्चिमी भाग में उसे मालूम है अब कोई नया शासक तो आएगा नहीं, इसका भाई रहेगा। ठीक है, तो पहले का थर्ड सब पॉइंट यही है कि कामरान को पंजाब और मुल्तान देने का तत्काल लाभ यह हुआ कि अपनी पश्चिमी सीमाओं की चिंता किए बगैर हुमायूं पूर्वी भागों पर ध्यान देने के लिए मुक्त हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे। देखिए हुमायूं को बढ़ाई दिक्कत रही है हुमायूं के साथ, हुमायूं को पूरब में जो है अफगानों से और इधर गुजरात के साथ बहादुर शाह, इनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा का भी सामना करना पड़ा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, हुमायूं को पूरब में अफगानों और गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती महत्वाकांक्षा का भी सामना करना पड़ा, यानी पूरब में अफगानों का और गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती महत्वाकांक्षा का भी इसे सामना करना पड़ा। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे यहां पर आप, देखिए 1532 ईस्वी में दोरहा नामक स्थान पर, यानी 1532 में दोरहा नामक स्थान पर उसने अफगान सेनाओं को हराया। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे थर्ड पॉइंट, मैं बता रहा हूं कि 1532 ईस्वी में उसने दोरहा नामक स्थान पर अफगानों को हराकर बिहार जीता, अफगानों को हराकर बिहार को जीता और जौनपुर को तहस नहस कर डाला। यानी कि बाबर हुमायूं ने क्या किया है, हुमायूं ने 1532 में दोरहा नामक स्थान पर अफगान सेना को हराया है, इनसे बिहार को जीता है और जो जौनपुर था उत्तर प्रदेश का, इसको तहस नहस कर डाला है। ठीक है, ताकि कोई अफगान अब वहां पर विराजमान ना हो पाए, आसीन ना हो पाए, इसलिए उसे तहस नहस कर डाला है। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहां पर सफलता इसे मिल गई है, इसके बाद इसने क्या किया है, इस सफलता के बाद उसने चुनार पर घेरा डाला है। थर्ड का पहला सब पॉइंट, इस सफलता के बाद हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला। ठीक है, चुनार पर घेरा डाला, यह आगरा और पूरब के बीच स्थल मार्ग और जल मार्ग को नियंत्रित करता था तथा पूर्वी भारत का द्वार कहलाता था। यानी कि जो दोरहा नामक लड़ाई में अफगानों को हराने के बाद और जौनपुर को नष्ट करने के बाद, फिर उसने चुनार पर अपना जो है डेरा डाल लिया है,
जो हुमायूं ने, ठीक है, तो चुनार जो था ये आगरा और पूरब के बीच में स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों को नियंत्रित करता था तथा पूर्वी भारत का द्वार ये कहलाता था, किला था वहां पे चुनार में, ठीक है, एक शासक का किला था। किसका किला था ये भी जानते हैं, ठीक है। थर्ड का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, जो चुनार है, चुनार एक अफगान है सरदार शेर खान, तो शेर खान के अधिकार में आया था, जो अफगान सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली बन चुका था। थर्ड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना, यानी चुनार, यहां वह की जगह लिख लेना, चुनार, चुनार लिख लेना, अब इससे क्लियर हो जाएगा किसकी बात कर रहे हैं, वह का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सर लिख लेना चुनार, अफगान सरदार शेर खान के अधिकार में आया था, जो अफगान सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली बन चुका था, यानी चुनार इनसे इसने हत्याया है, शेर खान से हत्याया है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब अधिकार में आया था, इस तरह से इतना ही लिखना है यहां पर लिखना, ठीक है। ये थर्ड का सेकंड सब पॉइंट नोट करवा रहा हूं मैं, चुनार अफगान सरदार शेर खान के अधिकार में आया था, ठीक है, अधिकार में आया था, अधिकार में था, आया था हटा देना, अधिकार में था, मैं था, ठीक है, अधिकार में था। अब देखिए, जब इसने बाबर हुमायूं यहां पे पहुंच गया है तो कैसे भी करके साठ गांठ करके भाई मना के इसने, शेर खान ने ये चाल चली है कि हुमायूं को राजी कर लिया कि भाई हमें हमारा राज हमारे हमारे पास ही रहने दो, हम आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं, यानी हमें हम आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो आप इसी में आगे लिखेंगे, उसने हुमायूं को मना लिया कि किला उसी के हाथ में रहने दिया जाए। थर्ड का सेकंड सब पॉइंट नोट करवा रहा हूं फिर से, चुनार अफगान सरदार शेर खान के अधिकार में था, उसने हुमायूं को मना लिया कि किला उसी के हाथ में रहने दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो हुमायूं है किला उसी के हाथ में छोड़कर चले जाते हैं, यानी पहले हमले में हमला में अधीन तो कर लिया चुनार का किला, लेकिन छोड़ के चले जाते हैं। जब उन्हें आश्वस्त हो गए कि भाई ये हमारे अंडर में आ गया, अधीन आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो हुमायूं उसे उसका किला सौंप के चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे गुजरात का शासक और एक, इसका नाम है बहादुर शाह। तो बहादुर शाह भी जो है अपनी मक्कारियों से बाज नहीं आ रहे थे उस समय, ठीक है। तो बहादुर शाह ने क्या किया है, ये बहादुर शाह जो थे लगभग इन्हीं की उम्र के थे, हुमायूं की उम्र का था, और ये एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। चौथा पॉइंट नोट कर लेना कि बहादुर शाह जो लगभग हुमायूं की ही उम्र का था, एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था, ठीक है। चौथे का सब पॉइंट नोट करेंगे, 1526 में गद्दी पर बैठने के बाद उसने पहले मालवा को जीता और फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1526 में गद्दी पर बैठने के बाद उसने मालवा को जीता, फिर राजस्थान में, फिर उसने राजस्थान में चित्तौड़ पर घेरा डालकर राजपूतों की शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया, राजपूतों की शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया, ठीक है। चौथे का सब पॉइंट है ये, 1526 में गद्दी पर बैठने के बाद उसने मालवा जीता, फिर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ पर घेरा डालकर राजपूतों की शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया, ठीक है। अब देखिए, कुछ कथाएं ये कहती हैं, किसी समय जो राणा सांगा की विधवा पत्नी थी कर्णावती ने राखी भिजवाई थी हुमायूं के लिए कि भाई हमारी मदद करो हमारी आके, तो हुमायूं ने उसकी मदद भी की थी, ठीक है। तो चौथे का सेकंड सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे, यहां पर इसी समय राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर उसकी मदद मांगी और हुमायूं ने सूरवीरों की तरह उसका प्रत्युत्तर दिया, यानी उसने उसकी मदद भी की थी, ये इतिहास में बढ़ देता है ये चीज, ठीक है। चौथे का सेकंड सब पॉइंट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हुमायूं जो है, हुमायूं ने एक अपना एक नया शहर बसाया है दीनपना करके, ठीक है। यहां पे आप पांचवा पॉइंट नोट करेंगे, हुमायूं ने दिल्ली में एक नया शहर दीनपना बसाया, इसमें आगे लिखना है बसाया, ठीक है। हुमायूं ने दिल्ली में एक नया शहर दीनपना बसाया, ठीक है। सब पॉइंट पांचवें का सब पॉइंट करके लिखेंगे, इसका मकसद यह भी था कि अगर आगरा पर बहादुर शाह का खतरा मंडरा है तो यह दूसरी राजधानी का काम कर सके, यानी यह दूसरी राजधानी के रूप में यह काम कर सके, यानी बहादुर शाह जो गुजरात का शासक है उसका खतरा उस समय मंडरा रहा था, तो इस वजह से ये इसका जो नगर जो है ये बसाने का रीजन था, ठीक है। पांचवें का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना, इसका मकसद यह भी था कि अगर आगरा पर बहादुर शाह का खतरा मंडरा है तो दूसरी राजधानी का काम कर सके। जब इसने ये नगर बसाया, उसी बीच बहादुर शाह ने क्या किया है कि बहादुर शाह सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, बहादुर शाह इस बीच अजमेर को जीत चुका था और उसने पूर्वी राजस्थान को रौंद डाला था,
नहीं, बहादुर शाह ने यह किया है कि इसी बीच बहादुर शाह ने अजमेर को जीत लिया है और उसने पूरी राजस्थान को रौंद डाला था। ठीक है, बहादुर शाह ने इस बीच अजमेर को जीता और पूर्वी राजस्थान को रौंद डाला। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बहादुर शाह के खतरे को कहीं ना कहीं इसके लिए एक आफत तो बनाई बनी गया था, तो हुमायूं ने ये सोच लिया कि अब भाई बहादुर शाह के खतरे को हमेशा के लिए मिटाना है, तो इसने इसी वास्ते यानी कि उस समय क्या किया बहादुर शाह ने, बहादुर शाह ने एक काम और किया कि जो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था ततार खान, इसे भी अपने साथ मिला लिया। इसे सह देकर इसने ये कहा कि आप आगरा पर आक्रमण करो और इस तरह से उसे मात दो, यानी उस तरह से हुमायूं की शक्ति को बांट दो, हुमायूं के अलग अलग जगह पर आक्रमण करो, इससे हुमायूं उस पर नियंत्रण न कर सके और एंड में छोड़ के भाग जाए। यानी कि ये बहादुर शाह की रणनीति थी और हुमायूं कहीं ना कहीं इस तरह की रणनीति को भांप चुका था। हुमायूं को मालूम था कि अगर हम इन जगहों को उलझ गए तो वास्तव में जो मेन जगह हैं उनसे हम दूर पहुंच जाएंगे, यानी मेन जो हमारा उद्देश्य उससे भटक जाएंगे और हम अपना राज्य खो बैठेंगे। ठीक है, तो अब यहीं पर नोट करेंगे अगला पॉइंट, छठा पॉइंट, बहादुर शाह के खतरे को हमेशा के लिए मिटाने के वास्ते हुमायूं ने अब मालवा पर हमला किया। यानी उस समय हुमायूं ने एक स्थिति चुनी कि मालवा तक बहादुर शाह का शासन है, तो क्यों ना मालवा से स्टार्टिंग करके यहां तक पहुंचा जाए। ठीक है, नहीं, बहादुर शाह के खतरे को हमेशा के लिए मिटाने के वास्ते हुमायूं ने मालवा पर आक्रमण किया। ठीक है, अब बहादुर शाह भाई इतना डरपोक शासक था, बहादुर शाह ये मालूम था कि मुगलों के सामने टिक नहीं पाएंगे, तो वो फिर जो मालवा है उसे छोड़ के भाग गया है। ठीक है, नहीं, मालवा को छोड़कर ये भाग गया, मालवा को छोड़कर ये पहुंच गया है वहां पर मंदसौर में। ठीक है, अब आप यहां पे लिखेंगे अगला सब पॉइंट, बहादुर शाह सब पॉइंट यानी छठी का पहला सब पॉइंट है, बहादुर शाह बिना लड़े ही ठीक है, बहादुर शाह बिना लड़े ही चित्तौड़ से, यानी पहले चित्तौड़ में था, चित्तौड़ से मंदसौर के पास स्वयं को एक खेमे में किलाबंद किया। यानी बहादुर शाह ने बिना लड़े ही चित्तौड़ से मंदसौर में, चित्तौड़ में पहले था मालवा पे आक्रमण हुआ, चित्तौड़ में था, जो चित्तौड़ से इसने फिर मंदसौर के पास स्वयं को किले में खेमे में किलाबंद कर लिया। ठीक है, अब यहां पर भी पीछे पड़ गया भाई बाबर हुमायूं, यहां पर भी हुमायूं पीछे पड़ा था उसके बहादुर शाह के, अब यहां से भी भगा दिया उसने, फिर यहां से भगा के काम पहुंचा। तो फिर से अब क्या होता है कि हुमायूं ने फिर से एक रणनीति चली है, सावधानी से रणनीति चली है, अब वो मंदसौर तक हुमायूं आ गए हैं भाई, तो हुमायूं जो मंदसौर पहुंचे हैं तो फिर वो यहां से भागा है, तो अब यहां से भाग के वो फिर वहां पहुंच गया मांडू, मांडू जाने पर मजबूर कर दिया उसे। ठीक है, तो छठे का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे आप, हुमायूं ने उसे मांडू जाने पर मजबूर कर दिया, हुमायूं ने उसे मांडू जाने पर मजबूर कर दिया। अब देखिए, ये मांडू तो पहुंच गया है, अब मांडू से भी इसे भागना पड़ा है। देखिए, भागता ही रहा है बहादुर शाह, यानी यकीन मानिए बहादुर शाह कोई प्रबल शासक नहीं था, मुगलों से बहुत लड़ा ही नहीं है, मुगलों से डर के भागता रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे नोट करेंगे छठे का थर्ड सब पॉइंट, बहादुर शाह छठे का थर्ड सब पॉइंट यही है, बहादुर शाह मांडू से भागकर चांपानेर चला गया। ठीक है, बहादुर शाह मांडू से भागकर चांपानेर चला गया, हुमायूं वहां भी पहुंचा, इसी में आगे लिख लेना, हुमायूं वहां भी पहुंचा विराम, वहां से बादशाह भागकर अहमदाबाद और अंत में काठियावाड़ पहुंचा, हुमायूं वहां भी पहुंचा परंतु बादशाह वहां से भागकर अहमदाबाद और अंत में काठियावाड़ जा पहुंचा। ठीक है, ये आपका छठे का थर्ड सब पॉइंट है, बहादुर शाह मांडू से भागकर चांपानेर चला गया, हुमायूं वहां भी पहुंचा, वहां से बहादुर शाह भागकर अहमदाबाद और अंत में काठियावाड़ पहुंचा है। ठीक है, अब देखिए उसी टाइम पे क्या होता है, जो बहादुर शाह है इसकी मृत्यु हो जाती है पुर्तगालियों से एक लड़ाई में। आपको मैंने बता चुका हूं, जब पुर्तगालियों का आगमन हुआ था तो बहादुर शाह ने उनका प्रतिरोध किया था, उनको रोकने के लिए तुर्कों की हेल्प भी ली थी। ठीक है, यानी तुर्क अरब जो थे उनकी हेल्प भी ली थी, लेकिन पुर्तगालियों की शक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि इनसे टक्कर नहीं ले पाए, और अंत में क्या हुआ कि बहादुर शाह एक संधि करने गया था, संधि के दौरान उनसे झगड़ा हो गया और झगड़े में बहादुर शाह समुद्र में कूदा इस बहाने से कि भाई वो तैर कर निकल जाएगा, लेकिन समुद्र में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। तो कहीं ना कहीं जो गुजरात वाला राज्य है वो खाली हो गया था। अब गुजरात में हुमायूं ने क्या किया है, गुजरात में अपने छोटे भाई अस्करी के नियंत्रण में ये दे दिया है। ठीक है, सातवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, गुजरात को जीतने के बाद हुमायूं ने उसे अपने छोटे भाई अस्करी के नियंत्रण में दे दिया।
ठीक है, अस्करी के नियंत्रण में दे दिया है। अब अस्करी क्या है? अस्करी कोई एक अनड़ आदमी है। अनड़ का मतलब क्या है? उसे बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, अनुभवहीन व्यक्ति है। ठीक है, तो सातवें का सब पॉइंट नोट करेंगे, अस्करी अनुभवहीन था, अस्करी अनुभवहीन था। देखिए बहादुर शाह अभी मरा नहीं है, बहादुर शाह यहां से हट गया है, मरा नहीं है, ये ध्यान रखना, मरा बाद में। मैंने कहानी पहले बता दी आपको, करेक्ट मत कर लेना अभी कहानी को, कहानी वो बाद की कहानी है, इसके बाद की कहानी है। ठीक है, तो सातवां पॉइंट नोट कर लिया आपने कि गुजरात को जीतने के बाद हुमायूं ने उसे अपने छोटे भाई अस्करी के नियंत्रण में दे दिया। ठीक है, सातवें का सब पॉइंट अस्करी, सातवें का पहला सब पॉइंट यही है, अस्करी अनुभवहीन था। इसी में आगे लिखेंगे, बहादुर शाह की शक्ति के पुनरुत्थान ने अस्करी के हाथ पांव फुला दिए। बहादुर शाह के शक्ति के पुनरुत्थान ने उसके हाथ पांव फुला दिए, इसलिए उसने आगरा लौटने का फैसला लिया। यानी इसी बीच क्या होता है, अस्करी गुजरात छोड़ के भाई आगरा के लिए भाग पड़ते हैं। लेकिन बीच में ये इन्हें भी ये भी डर लगता है, इधर इधर क्या होता है, देखिए कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब अस्करी जो है गुजरात छोड़ के भाग रहे होते हैं अपनी आगरा की तरफ, तो उस तरह उस समय कोई संचार के साधन तो थे नहीं, तो मुगलों को सूचना ये मिलती है हुमायूं को, भाई अस्करी आ रहा है। तो मुगल इसे लगता है हुमायूं को कहीं ना कहीं आगरा पे कब्जा करने के लिए आ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो बीच में फिर भाई हुमायूं आगरा से पहले उन्हें रोक लेते हैं, राजस्थान पकड़ लेते हैं अस्करी को, और फिर दोनों बात होती है तो पता चलता है भाई इस वजह से हम लौट के आए, तो दोनों सुलह हो जाती है और फिर वो दोनों आगरा लौट आते हैं। ठीक है, ये कहानी है, बट इंटरेस्टिंग कहानी है ये। तो साथ में का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने, पहला सब पॉइंट अस्करी अनुभवहीन था, बहादुर शाह की शक्ति के पुनरुत्थान ने उसके हाथ पैर फुला दिए, इसलिए उसने आगरा लौटने का फैसला लिया। ठीक है, इसी में सब पॉइंट करके नोट करेंगे आप, साथ में का सेकंड सब पॉइंट, इस बीच गुजरात और मालवा दोनों हाथ से निकल गए थे। इस बीच गुजरात और मालवा दोनों हाथ से निकल गए थे, लेकिन होना क्या था, गुजरात की मुहिम पूरी तरह असफल नहीं रही। कुछ ही समय बाद जो है जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह भी लुढ़क गए हैं। कैसे लुढ़के हैं अब वो भी जानते हैं। ठीक है, सातवें का थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे, कुछ ही समय बाद पुर्तगालियों से हुई मुठभेड़ में बहादुर शाह मारा गया। बहादुर शाह मरा या मारा गया। ठीक है, सातवें का थर्ड सब पॉइंट है ये, कुछ ही समय बाद पुर्तगालियों से हुई मुठभेड़ में बहादुर शाह डूब मरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो शेर खान है इनसे टकराव जानते हैं, भाई शेर खान से इनका टकराव कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, तो नोट कर ली होगी आपने शेर खान से टकराव हेडिंग। ठीक है, देखिए अब क्या है, जो हुमायूं का जो मालवा अभियान चल रहा था बहादुर शाह के खिलाफ, उसी दौरान जो शेर खान ने अपनी स्थिति को और भी मजबूत बना लिया। यानी शेर खान ने आश्वासन तो दे दिया था कि भाई हम आपके फेवर में आ गए, आपके अधीन आ गए हैं, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। यानी मैंने जैसा बताया था पहले, अफगान कभी मुगलों के अधीन नहीं रहे, अफगानों ने जब जब जो है मौका मिला तब तक बगावत कर दी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है, हुमायूं के मालवा अभियान 1535 से 1537 तक के दौरान शेर खान ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। ठीक है, अब इसी दौरान जो शेर खान है इसका बहादुर शाह से भी जो है कॉन्टेक्ट रहा है। ठीक है, इसी बीच बहादुर शाह का से भी कॉन्टेक्ट रहा है, तो बहादुर शाह से उसका गहरा संपर्क था, जो भारी अमदाद देकर उसकी सहायता करता रहा। पहले का सब पॉइंट यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब इसे सूचना मिली है हुमायूं को, तो हुमायूं ने कूच किया है फिर से। यानी हुमायूं ने शेर खान को खिलाफ फिर से कूच किया है सूचना मिलने पर। अब ये फिर से पहुंच गए हैं शेर खान के पास। तो पहले का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, हुमायूं ने शेर खान के खिलाफ कूच किया और चुनार को घेर लिया। यानी हुमायूं को जब सूचना मिली भाई इसकी कि ये अब फिर से बगावत पर उतर आए हैं, तो फिर से पहले का सेकंड सब पॉइंट यही है, हुमायूं ने शेर खान के खिलाफ कूच किया और चुनार को घेर लिया। ठीक है, अब इसी बीच क्या था कि जब तक ये चुनार को घेरते तब तक क्या था कि जो शेर खान है ये भी बड़ा होशियार था, तो शेर खान ने धोखे से अपने रोहतास का किला था उसे मजबूत कर लिया, उसे मजबूत किले को अधिकार कर लिया, और वहां अपने परिवार को उसने सुरक्षित छोड़ दिया, सुरक्षित छोड़ सकता था। ठीक है, तो यहां पर आप पहले का थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे अब आप इसी में, इस बीच शेर खान ने धोखे से रोहतास के मजबूत किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है,
इस बीच शेर खान ने धोखे से रोहतास के किले पर अधिकार कर लिया। इसी में आगे लिखेंगे, ये लिखना नहीं है। फिर उसने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण कर राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान क्या है कि भाई ये निकल जाता है चुनार पर, जैसे ही हुमायूं चुनार तक पहुंचता है, चुनार से फिर वो 9-11 हो जाता है शेर खान पहले रोहतास का किला जीतता है, रोहतास किले को जीतते हुए फिर जो बंगाल की राजधानी गौड़ है उसको ऊपर अधिकार जमा लेता है। ठीक है, ये आपका पहले का थर्ड सब पॉइंट है। इस बीच शेर खान ने धोखे से रोहतास के किले पर अधिकार कर लिया, फिर उसने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण कर राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब देखिए शेर खान बड़ा ही दूरदृष्टा था, दूर तक ही सोचने वाले व्यक्ति था। तो उसने क्या किया कि गौड़ पर विजय के बाद उसने एक चाल चली शेर खान ने, ये पहले का चौथा सब पॉइंट नोट करेंगे आप, कि गौड़ पर विजय के बाद शेर खान ने हुमायूं के पास प्रस्ताव भेजा कि अगर बंगाल को उसके अधिकार में रहने दिया जाए तो वह बिहार को हुमायूं को सौंप देगा और सालाना 10 लाख दीनार का खिराज देगा। यानी इस तरह की उसने मीठी मीठी चाल चली इससे कि वो फिर से उसकी बातों में फंस जाए। ठीक है, तो चौथा सब पॉइंट नोट कर लेना, पहले का चौथा सब पॉइंट कि गौड़ पर विजय के बाद शेर खान ने हुमायूं के पास प्रस्ताव भेजा कि अगर बंगाल पर उसका अधिकार रहने दिया जाए तो वह बिहार को हुमायूं को सौंप देगा और सालाना 10 लाख दीनार का किराया देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो बंगाल पर अभियान था, यानी बंगाल जो था उस समय सोने की धरती कही जाती थी और वहां पर समृद्ध विदेशी व्यापार का भी केंद्र था, तो कहीं ना कहीं जो हुमायूं है, हुमायूं को बंगाल का जाने का न्योता मिला था क्योंकि इसकी एक पतन का न्योता था, यानी इसके अभियान यानी इसका विनाश का न्योता था। ठीक है, और यही हुआ एंड में, क्योंकि जो मालवा के दौरान अफगान जो थे, अफगान बहुत सुदृढ़ हो चुके थे, इनकी पूरी रणनीति जान चुके थे, मुगलों किस तरह से मुगलों के युद्ध की रणनीति वगैरह है उसका अध्ययन करके उन्होंने अपने आपके सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे चुके थे। तो कहीं ना कहीं जो अफगान शासक है शेरशाह, तो ये बहुत इसकी कंडीशन मजबूत भी हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे, यहाँ पर बंगाल में हुमायूं का अभियान विनाश की प्रस्तावना था। ठीक है, बंगाल में हुमायूं का अभियान विनाश की प्रस्तावना था। अब शेर खान ने क्या किया भाई, इन्हें अब उस उकसा तो दिया, यानी उकसा तो ऐसे दिया कि भाई हमें हम आपको बिहार दे रहे हैं, उसके बदले में हम आपको किराया भी देंगे 10 लाख मुद्राओं का, लेकिन इतने में हुमायूं मानते नहीं है। हुमायूं कहते हैं नहीं, अब तो हम हटा के मानेंगे वहां से। ठीक है, यानी हुमायूं को माइंड में वही चीज आती है कि हम तो शेर खान को हटा के ही मानेंगे। तो ये पहुंच जाते हैं भाई, हुमायूं पहुंच जाते हैं ऐसे करके बंगाल। उसी बीच क्या होता है, वो शेर खान होशियार होता है, शेर खान वहां से निकलकर फिर से वो दक्षिण बिहार वाले इसमें घुस जाता है। ठीक है, जैसे ही ये वहां पे पहुंचते हैं वैसे ही वो चुपचाप निकल के दक्षिण बिहार में आके घुस जाता है। ठीक है, कौन शेर खान, तो अब आप नोट करेंगे यहीं पर सेकंड का सब पॉइंट, शेर खान बंगाल छोड़कर दक्षिण बिहार में था। जब ये बंगाल पहुंचे हैं तो शेर खान उस समय दक्षिण बिहार में पहुंच गया था। ठीक है, अब इधर क्या होता है, इधर ये तो अब हुमायूं पहुंच गए हैं भाई, कहां पर हुमायूं पहुंच गए हैं आपके बंगाल में पहुंच गए हैं। अब इनकी जो आगरा वाला तख्त है वो तो खाली है, अब आगरा वाला तख्त खाली है तो ऑब्वियसली बात इनके छोटे भाइयों में कहीं ना कहीं वही होगा कि भाई आओ यहाँ पर हम बैठेंगे, हम आसीन होंगे। ठीक है, यानी वही फूट वाली स्थिति क्रिएट होगी, तो वही हुआ आगरा में भी। ठीक है, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, यहाँ पर आगरा के तख्त पर बैठने का प्रयास करके उसके छोटे भाई हिंदाल ने हुमायूं की स्थिति को और भी बदतर बना दिया। थर्ड पॉइंट यही है कि आगरा के तख्त पर बैठने का प्रयास करके उसके छोटे भाई हिंदाल ने हुमायूं की स्थिति को और भी बदतर बना दिया। ठीक है, यह आपका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट नोट करेंगे। देखिए गौड़ में 3-4 माह तक रहने के बाद, ठीक है, गौड़ में 3-4 माह तक रहने के बाद उसने वहां पर अपना एक छोटा दस्ता भी छोड़ दिया गौड़ में, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला था दस्ता। जब हुमायूं जैसे शासक कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दस्ता क्या करेगा वहां पर, दस्ता को तो हाल उखाड़ के फेंक देंगे वहां। तो आप चौथा पॉइंट लिखेंगे, गौड़ में 3-4 माह रहने के बाद हुमायूं बिना किसी गंभीर हानि के अपनी सेना को बक्सर के पास चौसा तक ले जाने में सफल रहा। ठीक है, यानी कि यहां पर जो धीरे से गौड़ से ये निकाल के लेके आए हैं, ये चौसा तक ले आए हैं। ठीक है, तो चौसा में जो चौसा का जाल बिछाया था इसी ने, यानी कि शेर खान ने। ठीक है, तो इसी बीच क्या होता है, चौथे का सब पॉइंट नोट कर लेना, इस बीच हिंदाल की बगावत को कुचलने के लिए कामरान लाहौर से आगरा पहुंच चुका था। ठीक है, ये चौथे का सब पॉइंट है।
इस बीच जो कामरान जो है, यानी कामरान इसका छोटा भाई है, इस बीच हिंदाल की बगावत हो जाने कुचलने के लिए कामरान लाहौर से आगरा पहुंच चुका था। अब ये चौसा में अब ये घिर गए हैं यहाँ पर, यानी कि जो आपके हुमायूं हैं ये चौसा में आके घिर गए हैं। चौसा की इस तरह से उसमें शेर शाह ने इस तरह से रणनीति चली कि चौसा में आके क्षेत्र में घिर गए, और ये चौसा का क्षेत्र का चुनाव जो इन्होंने किया था लड़ने के लिए, जो शेर खान से लड़ने के लिए, तो ये इन्होंने बहुत गलत चुनाव किया था। इन्हें उसकी स्थिति का अंदाजा नहीं था कि किस तरह की स्थिति है चौसा की, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब आप नोट करेंगे पांचवा, देखिए पांचवी में हेडिंग डाल के लिख देना, हेडिंग टाइप, यानी पांचवें पॉइंट में हेडिंग टाइप बना, हेडिंग टाइप से मतलब हेडिंग काले पेन से लिख देना या फिर अन्य पेनों से लिख देना कि चौसा की हार, चौसा की हार ब्रैकेट में 1500 मार्च 1539, मार्च 1539, ठीक है। अब इसके आगे डेसरा के इस तरह से लिखेंगे, डेसरा के इसके आगे चौसा की हार ब्रैकेट में मार्च 1539, ठीक है। इसी में लिखेंगे हुमायूं ने गलत युद्ध क्षेत्र का गलत चुनाव किया, हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र का गलत चुनाव किया और खुद को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। यानी कि इस समय जो हुमायूं की राजनीतिक समझ थी और उसकी सिपाही सलार जो थे, तो वो सब इनकी जो है राजनीतिक समझ वगैरह जो सब धरी रह गई है, ये इसे एनालिसिस नहीं कर पाया, राणा सांगा ने एनालिसिस नहीं किया, ठीक। उसी प्रकार से हुमायूं की भी यहाँ पे भूल हुई है, ठीक है। तो पांचवे पॉइंट में लिख लेना आप कि हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र का गलत चुनाव किया और खुद को ऐसी स्थिति में डाल दिया कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। पांचवें का सब पॉइंट नोट करेंगे, युद्ध भूमि से हुमायूं मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा, ठीक है। यानी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा है, और तमाम कहानियां कि बस्ती से सायदा नदी पार की वो सब छोड़िए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुश्किल से युद्ध भूमि से हुमायूं मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा, ये पांचवें का सब पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो ये चौसा की हार तो हो ही गई, हार तो स्वाभाविक बात थी। अब इसके बाद जो है ये आगरा पहुंच जाते हैं भाई, ये हुमायूं जो हैं ये आगरा पहुंच जाते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट नोट करेंगे आप, इसके बाद हुमायूं ने आगरा पहुंचकर, इसके बाद हुमायूं ने आगरा पहुंचकर जो सेना बनाई थी वह शेर खान का मुकाबला नहीं कर सकती थी। यानी इतना जल्दी जल्दी में सेना बनाई, वो इतनी डेवलप्ड नहीं थी, इतनी प्रशिक्षित नहीं थी कि शेर खान का मुकाबला कर सके, ठीक है। छठा पॉइंट यही है, इसके बाद हुमायूं ने आगरा पहुंचकर जो सेना बनाई वह शेर खान का मुकाबला नहीं कर सकती थी। अब क्या होता है, इसके बाद कन्नौज की लड़ाई होती है, इसके बाद कन्नौज की लड़ाई होती है। तो छठे का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे यहाँ पे इस तरह से, कन्नौज की लड़ाई, इसे अंडरलाइन कर देना या फिर इसे लिख लेना, पाई 1540 डैश लगा के लिखेंगे इसमें आगे, कन्नौज की लड़ाई, ठीक है। इसमें आगे लिखेंगे कन्नौज लड़ाई मई 1540 में हुमायूं के दोनों छोटे भाई अस्करी और हिंदाल, में हुमायूं के दोनों छोटे भाई अस्करी और हिंदाल बहादुरी से लड़े, पर अंत में मुगलों की हार हुई। चटी का पहला सब पॉइंट ये, कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुमायूं के दोनों छोटे भाई अस्करी और हिंदाल बहादुरी से लड़े, पर यहां पर मुगलों की हार होती है, ठीक है। अब क्या था, मुगलों की हार तो यहां पे हो गई, अब मुगलों की हार होने से क्या था कि अब जो हुमायूं का राज्य था, अब हुमायूं बिना राज्य का हो गया। चटी का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, अब हुमायूं बिना राज्य का राजा था जबकि काबुल और कंधार कामरान के हाथों में थे। अब हुमायूं कहीं जा नहीं सकता था, ऊपर से इसके जो छोटे भाई जिन्होंने सहयोग किया था वो भी बहुत नाराज थे। अब वो हुमायूं को मारने के चक्कर में थे कि भाई इसकी चक्कर में हमारे भी जो हमारा अच्छा खासा राजस्थान जहाँ पे रह रहे थे वो भी छिन गया है। अब वो कहीं ना कहीं हुमायूं के पीछे पड़े थे, हुमायूं को मार दिया जाए, ये कर दिया जाए, गुस्सा थी उनके अंदर, ठीक है। छठे का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने कि अब हुमायूं बिना राज्य का राजा था जबकि काबुल और कंधार कामरान के हाथों में थे, ठीक है। छठे का थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे आप, उसके अपने भाई उसके खिलाफ हो गए और उसे मार डालने या कैद करने का प्रयास करने लगे। उसके छोटे भाई जो थे वो उसके खिलाफ हो गए और उसे मार डालने या कैद करने का प्रयास करने लगे।
ठीक है, ये छठे का थर्ड सब पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए जो हुमायूं के लिए ये समय बहुत ही धैर्य का और साहस का समय था, तो छठे का चौथा सब पॉइंट नोट करेंगे, हुमायूं ने धैर्य और साहस के साथ इन तमाम विपत्तियों का सामना किया। ठीक है, यानी कि ये पहलू जो है बहुत ही हुमायूं के जीवन काल का सबसे कठिन और संघर्ष का पहलू माना जाता है। ठीक है, तो हुमायूं ने धैर्य और साहस के साथ इन तमाम विपत्तियों का सामना किया। हुमायूं ने जो अपने भारत के राजा हैं उनसे भी सहायता मांगी, लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। तो इसके बाद क्या होता है, हुमायूं पांचवा सब पॉइंट नोट करेंगे, छठे का पांचवा सब पॉइंट, हुमायूं ने आखिर ईरान के शाह के दरबार में शरण ली, उसकी सहायता से 1545 ईस्वी में कंधार और काबुल को फिर जीत लिया, यानी अपने भाई काबुल, अपने भाई कामरान से फिर से कंधार और काबुल को इसने जीता है। ठीक है, पांचवा सब पॉइंट, छठे का पांचवा सब पॉइंट, कि हुमायूं ने आखिर ईरान के शाह के दरबार में शरण ली, ईरान के शाह के दरबार में शरण ली, तथा उसकी सहायता से 1545 ईस्वी में कंधार और काबुल को फिर जीत लिया। ठीक है, सातवां पॉइंट नोट करेंगे आप, आरंभ में हुमायूं के भाई पूरी तरह उसके वफादार रहे, उनके बीच वास्तविक मतभेद शेर खान की जीतों के बाद ही उभरे, यानी कि हुमायूं के जो भाई थे मतभेद तो रहे थे पहले से, लेकिन इतने जो प्रबल मतभेद केवल हुमायूं जो शेर खान की जीत हुई है उसके बाद प्रबल मतभेद उभर के आए हैं। ठीक है, सातवां पॉइंट यही है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए हुमायूं का जीवन बड़ा रोमानियत भरा रहा है, रोमानियत का मतलब बड़ा कि अमीर, पहले अमीर से कंगाल बना है और फिर कंगाल से अमीर हुआ है। तो आठवां पॉइंट नोट कर लेना, हुमायूं अमीर से कंगाल बना और कंगाल से अमीर हुआ। ठीक है, आठवें का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे, 1555 में सूर साम्राज्य, यानी शेर, जो शेर शेर खान इसका सूर साम्राज्य, इसके बारे में अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नोट करेंगे आप, 1555 में सूर साम्राज्य के विघटन के बाद वह दिल्ली को फिर से जीतने में सफल हुआ। ठीक है, सूर साम्राज्य शेर खान का साम्राज्य था, सूर साम्राज्य शेर शाह सूरी का उपाधि उसी को दी जाती है। ठीक है, तो आठवें सब पॉइंट यही है, 1555 में सूर साम्राज्य के विघटन के बाद दिल्ली को फिर से जीतने में सफल हुआ। ठीक है, आठवें का सेकंड सब पॉइंट, दिल्ली में अपने किले की पुस्तकालय की इमारत से, दिल्ली में अपने किले की पुस्तकालय से गिरने से, पुस्तकालय की इमारत से गिरने से उसकी मृत्यु हुई। किसकी? हुमायूं की। ठीक है, दिल्ली में अपने पुस्तकालय की इमारत से गिरने से उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग अपने नोट्स बना रहे हैं, देखिए तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं, मैंने ये एक चीज़ नोटिस की है, जैसे अभी बेगत तीन चार दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि तमाम नए नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, वो कह रहे सर हमें पहले पता ही नहीं था हम इतने एग्जाम दे चुके। तो आप लोग इतना कर लिया कीजिए, देखिए जैसे मेरा एक दायित्व बना लिया है, मैंने फर्ज बना लिया है कि मैं डेली आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ किसी भी कंडीशन में, यानी बहुत ही रेयर केस में कहीं ज़्यादा ही फंसा हूँ, कहीं ज़्यादा बिजी हूँ तो ना ला पाऊँ, वरना मैं डेली कोशिश करता हूँ वीडियो लाने की। तो आप इतना मेरे लिए इतना तो पे कर सकते हैं, यानी मैं आपसे किसी धन की डिमांड नहीं करता हूँ, मैं इतना पे करने की डिमांड करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तमाम आप व्हाट्सअप ऐप भी तमाम जगह चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो वहाँ पर उसका लिंक कॉपी कीजिए वीडियो का और वहाँ पर शेयर करके बता दीजिए कि आप यहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं, इस चैनल को आप देख सकते हैं, तो लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी। ठीक है, लोग जानेंगे चैनल के बारे में। तो आप इतना मेरे लिए जरूर कर लिया कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको अच्छा वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।